Good afternoon all. Welcome to our Gurgaon office. I'm sure आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे, फैकल्टीज़ को जानते होंगे, अभी मिले होंगे बहुत लोगों से, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने देखे होंगे, ऑनलाइन स्टूडियोज़ आपने देखे होंगे. बट आज जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर हैं वो है सेमी फाइनल्स ऑफ अड्डा इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन. तो आप लोग इतने टेंस क्यों? पहले तो यार, आर यू गाइस एक्साइटेड? यस सर. जोश है, मजा आ रहा है? Yes, yes. अभी आएगा. तो देखो, मैं जस्ट एक चीज बोलना चाहूंगा, आप यहां तक आए हो ना, आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हो, दैट इट्सेल्फ इज अ सक्सेस. डोंट कीप इन योर माइंड कि मेरे को अगर ये ट्रॉफी नहीं मिली, मैं अगर एक या दो पॉइंट से पीछे रह गया तो क्या होगा, कैसा लगेगा, ये इवेंट कहां पे जाएगा. Participation gives you a lot of experience. Participation gives you a lot of courage. Participation gives you a lot of feedback. कि आपको पता लगेगा what is working, what worked at what time, है ना? तो I feel participation and at this level is a huge success. For this, I would want you all to give yourself a round of applause. Without any delay now. आप लोगों को देखो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है. वी विल नाउ इम्फेसाइज, इलैबोरेट वेरी स्लोली, डिस्कस ऑल द रूल्स. बस दो चीजें याद रखना, एक हमारे जो थर्ड एम्पायर हैं वो हमारे बेटे में हाथ हिलाओ सर, ये हैं जो हमारे आपके सारी चीजों के एम्पायरिंग कर रहे हैं, वो हैं आकाश सर. होस्ट हमारे साथ आपने देख ही लिए हैं. और दूसरी जो चीज है वो जो आपके सामने रखी हुई है, आपकी ट्रॉफी. तो चलो विद दैट लेट अस इमीडिएटली स्टार्ट एंड वी विल नाउ रूल्स आपको समझाते हैं. व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम? तो एक शायरी के साथ शुरुआत करेंगे. अर्ज किया है, पैनी हो नजरे जैसे बाज, पैनी हो नजरे जैसे बाज, करते हैं इस शो का एक शानदार आगाज. बोलो बाबा. यार इतना कमजोर बाबा, कैसे काम चल रहा है? एक और बार चलते हैं और फिर से बोल सुनते हैं शायरी को और फिर क्या बोलेंगे? वाह वाह. तो ठीक है, तो वाह वाह, उसी के साथ मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ. सो वेलकम यू ऑल एंड वेलकम एवरीबडी टू द फर्स्ट सेमीफाइनल्स ऑफ अड्डा इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन. सो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. सो मेरे साथ हैं मेरे काबिल कोलीग प्रिंस सर, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आशीष गर्ग, जो लेके आया हूँ आपके सामने पहला एक ये क्विज कॉम्पिटिशन, जिसमें हमारे पास है पांच स्कूल्स और ये बहुत ही होनहार बच्चे जो हमारा भविष्य है, हमारे उज्जवल भविष्य हमारे देश का. तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इन बच्चों को और इन स्कूल्स को. जो है पहले हमारे साथ है जेनेसिस ग्लोबल स्कूल, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जेनेसिस. सेकेंड वी हैव डीएवी 49, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. देन वी हैव डीपीएस सुशांत लोक. देन वी हैव जीडी गोयंका. And then finally, last but not the least, we have DAV Pitampura. So, जैसे किसी बहुत ही famous इंसान ने कहा है कि participation is the key. It's not about winning the race, though we all are here to win, I'm sure, right? But it's all about participation, right? But when I saw and I was calling out the names, that women vigor was missing, यार. कहाँ गया आपका अंदर का वो जोश? यूथ हो ना, है ना? तो एक और बार एक बहुत अच्छे राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ हम शुरू करेंगे ये क्विज कॉम्पिटिशन. सो यस, हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज नाउ. सो मैं आपको धीरे धीरे करके हर एक राउंड से पहले आपको बताऊंगा कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं हमारे, ठीक है? बताऊंगा क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है. तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ध्यान से सुनने के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि एंजाइटी में या आप एनर्जी में, ठीक है, एंथुजियाज्म में आते हुए क्वेश्चन का भी गलत जवाब ना दे दें, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, हम आपको पॉज देंगे, टाइम दिया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आराम से क्वेश्चन का आंसर लेंगे. सो राउंड वन हमारे पास जो है, राउंड वन में हमारे पास है कुछ क्वेश्चन जो हम आपसे पूछेंगे. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वन बाय वन हम आपके पास चलेंगे. उससे पहले हम आपको थीम भी बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास ये कौन सी थीम से हैं, सो दैट यू कैन मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है? राइट, यस नो? राइट, आर वी टुगेदर? यस नो? कांट हियर यू? यस सर. लेट्स बिगिन.
So the first theme that we have, all right, for which you will get plus 10 marks, we have the questions from science. Over to you, sir. तो इस राउंड का मैंने नाम रखा है आर्यपान, क्योंकि यहाँ पे आपस में आपको कंप्लीट नहीं करना है, हर क्वेश्चन इंडिविजुअली जाएगा, आपको इंडिविजुअली आंसर करना है, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा। सो आर्यपान, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपके ऑप्शन है ए ब्लू, बी रेड, सी ग्रीन, डी ऑरेंज। So, बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन जैसे ही बोलते हैं कि हमारे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और कलर आता है रेड, सो रेड से ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज होती है? सबसे पहले मेरे दिमाग में तो आता है वैलेंटाइंस डे और रोजेस का गुलदस्ता, है ना। ये जो मुस्कुराहट है, कुछ लोग हंसे यहाँ पे देख के, मुझे लग रहा है हाँ जी। तो मैं जाना चाहूंगा डीएवी 49 के पास। डीएवी 49, आप बड़ा मुस्कुराए, रोज की तरह खिल उठे, तो क्या कुछ कहानी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे लाल रंग के साथ? ठीक है, जस्ट ह्यूमर। अरे वाह, उधर पाजी कुछ चीज। नो सर, है रेड टर्बन है आपका, रेड कलर है, मौसम का भी सर, रेड हार्ट भी है, रेड हार्ट भी है। अरे है, क्या बात कर रही है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए यहाँ पे। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अंडर द सी। ऑप्शन सर ए रडार, बी लेजर, सी सोनार एंड डी टेलीस्कोप। सोनार। एंड सोनार इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है। तो यहां हमारी शुरुआती दोनों टीम्स ने अपने अपने 10-10 पॉइंट स्कोर कर लिए, बहुत बढ़िया। अब थर्ड टीम पे आते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा, एट व्हाट टेम्परेचर इज सेल्सियस एंड फारेनहाइट इक्वल। मैम ऑप्शंस हैं 40 डिग्री, 37.5 डिग्री, माइनस 40 डिग्री, 98.4 डिग्री। हाँ श्योर, यू कैन कॉल। तो लगता है डीपीएस सुशांत लोग का बुखार बढ़ते हुए सेल्सियस में नापेंगे या फारेनहाइट में, ये देखना अभी बाकी है। तो जा रहे हैं हम पे, और रेड फॉर डेंजर भी हो गया यहाँ पे, बिल्कुल सही बोला है हमारे प्रिंसर ने। यस सुशांत लोग, यस। सो टेम्परेचर चाहिए हमें जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं, वो कौन सा है ऑन द स्केल ऑफ सेल्सियस एंड फारेनहाइट? तो जवाब की प्रतीक्षा में, एंड वी आर वेटिंग फॉर द आंसर। सुशांत लोग, एंड माइनस 40 इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अगर हम स्केल का देखें सेल्सियस और फारेनहाइट, सो इकलौता माइनस 40 ऐसा टेम्परेचर जहां पे दोनों स्केल आके जुड़ जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं। सही बात। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जीडी गोयंका के लिए। ओवर टू द नेक्स्ट टीम। द क्वेश्चन इज Which among the following is the filtration unit of kidney in humans? Options are villi, nephrons, mucus or neurons. और यहां विचार विमर्श चलते हुए nephron. And it is the right answer. Very good. तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि जब हम जवाब दे रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हम एंथुसियाज्म के साथ और लाउडली देंगे, ठीक है, कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो अभी मेरी जो आवाज आ रही हो ना, आप तो भाई बढ़ता हुआ उज्जवल भविष्य कहां पे ना, तो उसका थोड़ा मान रखते हुए आवाज निकालेंगे, ठीक है। नर्वस आए नहीं बिल्कुल भी आप, ठीक है, बिल्कुल आराम से जवाब देंगे, और ये सबसे ठीक है। अब चलते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने नेफ्रॉन्स। चलते हैं इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? ए वॉट, बी हर्ट्स, सी डेसिबल और डी एम्पियर। इट्स ए वॉट। व्हाट? 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 ओके व्हाट। अच्छा व्हाट, अच्छा ए ऑप्शन बोल रहे हैं, हमें लगा व्हाट, क्या बोल रहे हैं, क्या बात है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। Nice. बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे साइंस टीम में साइंस के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया, सभी के भी 10-10 पॉइंट्स हैं, बहुत बढ़िया।
अब यहाँ पर नेक्स्ट सेगमेंट सर आपको बताएंगे। सो अभी हमने पहले जाना कि हमारे विज्ञान बोलते ना हिंदी में, हाँ सर, कि विज्ञान में हमारे कितने कितने नंबर आए, तो सब मुझे लगता है कि सारे ही पढ़े लिखे और बच्चे हैं, सारे साइंस में तो अव्वल है हमारे। अब जानते हैं कि हमारे जनरल नॉलेज में, जनरल नॉलेज में हमारे बच्चों की क्या हालत है। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट है आपका वो है जनरल नॉलेज का, और इसमें मेरा पहला क्वेश्चन जो है इज फॉर जेनेसिस ग्लोबल। सो द क्वेश्चन इज वेयर डिड द, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वेयर डिड द चौरी चौरा मूवमेंट अकर्ड, वेयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड, कहां हुआ था ये चौरी चौरा, बहुत ही फेमस एक इंसिडेंट है हमारे हिस्ट्री से, तो ये कहां हुआ था? ऑप्शन सी गोरखपुर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, गोरखपुर में ये इंसिडेंट हुआ था। और अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दूं, सो द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड एट चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट, जो थी ये गोरखपुर की डिस्ट्रिक्ट है उसमें हुआ था, ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, जो आजकल हम जानते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। क्या बात है, बिल्कुल सबसे पहले इंदिरापुरम से जवाब आया, उछलता कूदता हुआ कि भैया देखिए कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे। और ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, ये एक हुआ था जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आके उन्होंने अटैक कर दिया था एट चौरी चौरा। सो वेरी गुड जेनेसिस ग्लोबल। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल इफ यू हैव रेड हिस्ट्री वेल। All right, and the question is, when was the second battle of Panipat fought? When was the second battle of Panipat fought? Is this A, 1756? Is this B, 1556? Is this C, 1656? Or is it D, 1856? What is the answer? What is the answer? और यहाँ सोच में पड़ते हुए टीम, विचार विमर्श चल रहा है फिर से। 1756। और अफसोस और ये गलत जवाब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आपने कुछ खोया नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर हम इस पे थोड़ी सी ध्यान से दें और बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, तो बैटल ऑफ पानीपत अभी हमने रिसेंटली भी मूवीज में देखा था, जहां पर आप अपने जोधा अकबर में देखा हो तो पहला सीन ही वो दिखाते हैं जहां पर किंग हेमू के साथ लड़ाई करते हैं। सो इट वॉज इन ऑन 5th November 1556 अकबर एंड किंग हेमू फॉट दिस बैटल ऑफ पानीपत, दैट वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। वी आर गोइंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज फॉर डीपीएस सुशांत लोक, एंड दिस इज अ क्वेश्चन विच इज should be very close to every Indian, right? It is related to the national anthem, right? So the question is, apart from the national anthem of India, Rabindranath Tagore wrote the national anthem for which country? I repeat, apart from national anthem of India, Rabindranath Tagore wrote the national anthem for which country? Option A, Pakistan. Option B, Bhutan. Option 3, Sri Lanka. And option D, Bangladesh. Again, bilkul. Aur phir se vichar vimarsh chalte hue yahan pe. And the answer is and the absolutely correct, Bangladesh. We know that Rabindranath Tagore is very famous there in West Bengal, and it was a very obvious choice out of the options that is given to us. Well done, Sushant Lok. Very good. Nice, nice. So, plus 10 to Sushant Lok. We are going on to the next question, and the next question again is very simple. All right, I'm saying this again and again because they are very simple. Right. Because you're doing the answers. Ye bhi bilkul sahi bola aapne, Prince sir. Right. So, the next question that we have is for G.D. Goenka Indrapuram. And the question is, who is known as the saint of the gutters? I repeat, who is known as the saint of the gutters? Option A, Madame Curie. Option B, Sarojini Naidu. Option C, Kiran Bedi. And option D, Mother Teresa. All right. Contestant bhi like, sir, ye kya pooch liya? So contestants को I'm sure पता होगा, इसमें अगर हम सबके नाम देखें, सबने कुछ ना कुछ अपनी फील्ड में किया है, चाहे वो मैडम क्यूरी हो, सही बात है सर, सरोजनी नायडू हो,
या किरण बेदी हो या हो मदर टेरेसा, हु इज नोन एज द सेंट ऑफ द गटर्स. यस जी डी गोयनका इंद्रपुरम. वी आर वेटिंग फॉर द आंसर एंड डी मदर टेरेसा. एब्सोल्यूटली करेक्ट. मदर टेरेसा. मदर टेरेसा के बारे में अगर हम पीछे जाएं और हिस्ट्री में थोड़ा सा देखें, शी हैज वर्कड सो मच फॉर पीपल, अंडर प्रिविलेज पीपल एंड फॉर द पीस. शी वॉज यू नो एन एपिटमी ऑफ पीस जिसको हम बोलते हैं. एंड मदर टेरेसा के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है. सो गॉड ब्लेस हर वेयर एवर शी इज and she has done wonders for our society as well. So Mother Teresa is the correct answer. 10 points to you, G.D. Goenka Indraprabha. Moving on to the next question. And the next question that we have, the last question for this segment, that is general knowledge. And the next question is, who was India's first chief of defense staff? I repeat, who was India's first chief of defense staff? Option A, General Arjun Singh. Option B, General Vijay Kumar Singh. Option C, General Bipin Rawat. And option D, General Major Mukund. इस टीम को देख के लग रहा है नेल कटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये काफी न्यूज में भी रहे थे अभी थोड़े टाइम पहले ही. काफी न्यूज में रहे थे ये. अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा हो, हमने करंट अफेयर्स से अवगत हो, तो हमें जरूर पता होगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं हम. जनरल बिपिन रावत. बिल्कुल सही है. बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट. 10 पॉइंट्स टू डीएवी. और एक जनरल बिपिन रावत, आपको पता होगा कि क्यों न्यूज में थे अभी थोड़े टाइम पहले ही. जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो हमने देखा था कि उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, और वहां से ही हमने देखा था. एंड ही इज द फर्स्ट एंड अभी तक के लिए ओनली द फर्स्ट, बिकॉज देयर इज नोबडी एल्स बीन अपॉइंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन. सो जनरल बिपिन रावत एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सो यहां पर हमने अभी खत्म किया है अपना सेकेंड सेगमेंट जो कि था हमारा जनरल नॉलेज का. अब हम चल रहे हैं अपने थर्ड सेगमेंट ऑफ राउंड वन. अगेन प्लस 10 एंड नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? बट और अब अगला क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के लिए. तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. हम चलते हैं अपने अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे जो कि होंगे फ्रॉम इकोनॉमी. ठीक है, फ्रॉम इकोनॉमी. ठीक है, सो दैट इज द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव. ओवर टू यू. Okay, starting from here, the first question being, what is the full form of, please listen carefully, what is the full form of LPG policy, a concept introduced in 1999, that is 1999, A, liquefaction, permission and growth, B, liberalization, privatization, globalization, C, localization, privatization, globalization, or D, liberalization, political globalization. It's a very famous point in the history of our Indian economy because this opened a lot of gateways for the foreign companies to enter India, right? So what is the answer, Genesis? ये घर वाली LPG ना समझ लेना आप लोग. बिल्कुल सही बात है. So घर वाली जो हमारे प्रिंसिपल बोल रहे हैं, घर वाली LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? Liquefied petroleum gas. तो ये वो नहीं है. ये कौन सी इकोनॉमी पॉलिसी है बताइए? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ऑलराइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहां पे मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा इस एलपीजी पॉलिसी के बारे में. ये एलपीजी पॉलिसी आई थी इन द ईयर 1991, जहां पे हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, they together brought this particular policy that is called LPG, which was liberalization, privatization and globalization, which allowed the companies from various parts of the world to enter India and explore and give us the opportunity to grow. So that was LPG that was started in 1991. All right, so well done Genesis, very well done, and 10 points to you. Next question. Bas ek baat batao, sorry, itna apne pad kaise liya aur kab? Bas yaar thoda sa karte hue teen masters kar li. बट जब तीन मास्टर्स हो गई तो अभी जो चल रही है मेरी मास्टर्स इन साइकोलॉजी, और मैं खुद एलुमिनस हूँ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, तो ये यहाँ से पढ़ लिया थोड़ा सा. बढ़िया, नहीं, नाइस नॉलेज सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टू द नेक्स्ट टीम.
What is NABARD's primary role? Option A, to provide term loans to state cooperative banks. Option B, to assist state governments for share capital contribution. Option C, to act as refinance institution. Option D, all of the above. So, जब तक ये जवाब दे रहे हैं तब तक मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो नाबार्ड है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर पे, एंड वी नो दैट इंडिया इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो अगर हमारे एग्रीकल्चर में एक टाइम पे भी मॉनसून अच्छा नहीं आता है तो हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, जिसको इकोनॉमी कहते हैं, वो हिल सी जाती है. ठीक है, तो उसी के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसका नाम है नाबार्ड. तो देखते हैं नाबार्ड का प्राइमरी रोल क्या है. सो लेट्स हैव द आंसर. और यहाँ पे गुफ्तगू हो चुकी है, डिस्कशन चल रहा है. टू एक्ट एज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पे ये जो जवाब आपने सी दिया है ये बिल्कुल गलत जवाब. अफसोस, ये गलत जवाब. विल बी द राइट आंसर. जितने भी अबव ए बी सी लिखे हैं ये सारे इसके करेक्ट आंसर होंगे. सो अगर हम पढ़ेंगे उसको, टू प्रोवाइड टर्म लोन्स, ऑफकोर्स ये लोन्स देते हैं हमारे फार्मर्स को भी या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे वो अपने सीड्स खरीद सकें. एंड आपको पता है कि आजकल हाइब्रिड सीड्स एंड एवरीथिंग का चल रहा है, तो इसलिए वो होता है. टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स को कैपिटल लगाने के लिए, उसके लिए दिया जाता है असिस्टेंस. एंड टू एक्ट एज अ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन. आपने देखा होगा कि जब लोन्स देते हैं तो लोन्स देने के बाद वो डेड लोन्स हो जाते हैं, देन वी हैव टू रीफाइनेंस देम. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ नाबार्ड. दैट इज देयर. सो आपको शुरू में थोड़ा हिंट भी दिया था और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन कोई नहीं, वेल प्लेड, कोई बात नहीं. चलिए ओवर टू द नेक्स्ट टीम. तो आपका सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? ऑप्शन ए, Securities for Exchange Board of India, Savings and Exchange Board of India, C, Securities and Earning Board of India, Option D, Securities and Exchange Bureau of India. तो जब तक ये जवाब दे रहे हैं तब तक फिर से चलते हैं स्कैम 1992. स्कैम 1992 में हमने देखा था, हर्षद मेहता की कहानी है और ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी. राइट, तो उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वहां पे सेबी की फुल फॉर्म इतनी बार यूज हुई थी. क्यों? क्योंकि जब हम सेबी और उसके एलाइड इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वहां पे हमने इसके बारे में काफी, तो स्टॉक शेयर्स उससे रिलेटेड है ये कुछ. मुझे लगता है कि सर जैसा होस्ट होना चाहिए. आधा आंसर तो आप ही बता देते हो. देखते हो उसके बाद सही है या नहीं. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्या बात है, बिल्कुल सही. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, इसकी फुल फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं सेबी. और जितने भी हमारे ये एक्सचेंज होते हैं, चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो या हमारे इनसाइड एक्सचेंज भी होते हैं, उसके लिए ये संस्था बिल्कुल काम में करती है. तो बहुत सही जवाब, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉरवर्ड. इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है ये. चलिए ओवर टू द नेक्स्ट टीम. तो आपका सवाल है, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI? ऑप्शन ए, उर्जित पटेल. ऑप्शन बी, डॉक्टर रघुराम राजन. ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास. ऑप्शन डी, डॉक्टर YB रेड्डी. तो इट्स ऑल अबाउट मनी मनी मनी, इजंट इट? सो अगर नोट को कभी खोल के देखा खर्च करने से पहले जो पापा ने दिया था हमें, तो इस पे लिखा होगा कि गवर्नर ऑफ RBI कौन है. तो बताइए गवर्नर ऑफ RBI कौन है. यस, बी डॉक्टर रघुराम राजन. बी डॉक्टर रघुराम राजन. रघुराम राजन आपने जो देखा तो वो पहले थे. ठीक है, पहले थे. मैंने वर्ड यूज किया था प्रेजेंट, वो थे पहले, लेकिन प्रेजेंटली अभी राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास. सो अभी जो हमारे गवर्नर हैं ऑफ RBI वो हैं शक्तिकांत दास. और रघुराम राजन भी थे हमारे, लेकिन वो अब नहीं है. ठीक है, वो पूरा फॉर्मर है. स्टिल वेल प्लेड. चलिए ओवर टू द नेक्स्ट टीम. द क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए, एडम फायोल. ऑप्शन बी, हेनरी साइगमंड. ऑप्शन सी, मैक्स म्यूलर. ऑप्शन डी, एडम स्मिथ. यस, सो देखते हैं क्या जवाब दे रहे हैं. कान में बोल रहा है कि गलत हुआ ना तो समझ जाना. बिल्कुल सही प्रिंसा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. लेकिन गुफ्तगू अभी भी जारी है इनकी, तो बच्चे बिल्कुल गहरा अध्ययन करते हुए ये आया जवाब. सर डी, एडम स्मिथ. बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब. क्या बात है, क्या बात है.
सो एडम स्मिथ के बारे में भी थोड़ी सी बातें जो ट्रिविया दे रहा हूं तो बता देता हूं कि एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस गेव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, जिसमें स्केर्स हमारे पास चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, एंड हमारे पास मींस बहुत लिमिटेड हैं, तो उनको पूरा करने के लिए स्केर्सिटी एंड चॉइस का जो ये था रूल था, दैट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। वेरी वेल डन, राइट। एंड द बुक वाज वेल्थ ऑफ नेशंस। वेरी वेल डन, वंडरफुल, नाइस। तो इसके साथ फर्स्ट राउंड में ये सेगमेंट खत्म होता है। अब फर्स्ट राउंड का ही नेक्स्ट सेगमेंट आएगा, अब इसके बारे में सर आपको बताएंगे। ऑलराइट, सो अभी तक मेरे को लग रहा है ऐसा कि आप लोग सोच रहे हो यार ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, अभी तो हम भाग के आए थे अपने स्कूल से, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे से पढ़ाई की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो अब जो अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस, विच इज द लास्ट सेट ऑफ राउंड वन, ऑलराइट, दिस सेट इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर वेरी वेल वर्स्ड विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, सो दैट इज absolutely correct, so that is current affairs. So the next set of five questions will be on current affairs, and whosoever is reading the newspaper or is following kab tak, aaj tak, right? theek hai, so aaj tak ye aapko sari cheeze pata honi chahiye, kyunki isme bahut sari cheeze aur bahut sare questions aapko dekhne ko milenge jo aapne shayad kahin na kahin sune honge. So pehla question is segment ka ye raha aapke samne. So pehla question hai, what is the name of India's autonomous navigation system? Is it A, Kewat? B, Garud? Is it C, Manji? Is it D, Navik? I repeat, is it option A, Kewat? B, Garud? C, Manji? D, Navik? ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था ये, अभी बहुत ही रीसेंट एक इसके ऊपर हमने बात भी करी है। सही जवाब, इतना जवाब आपने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इज नाविक। सो द फुल फॉर्म इज द नाविक ऑफ इज नेविगेशन सिस्टम्स, आपने सुना, सो नेविगेशन सिस्टम से ही उन्होंने जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है उसी से, तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS की जो संस्था है उन्होंने ये नेविगेशन सिस्टम बनाया है, ठीक है, विद एन ऑपरेशनल नेम कॉल्ड नाविक, ठीक है। इट इज एन एक्रोनिम फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, तो वहां से निकल के आया है नाम नाविक, ठीक है। बहुत सही जवाब दिया आपने, बहुत बिल्कुल सही जवाब दिया है, एनर्जी नहीं आ रही है बच्चों, देखो अगर देखो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन में दूसरे को अप्रिशिएट करना भी एक बहुत अच्छी सीख है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर हम खुद गिरेंगे तभी शायद दूसरा उठाने के लिए होगा, लेकिन हम सबको गिराते चलेंगे तो एक दिन हम भी गिर जाएंगे, है ना। तो अगर हम सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना हमारे कौन बड़े बड़े, ठीक है ना, बिल्कुल हमारे हमारे बड़े बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और शायद इसके बाद ये अच्छे दिन आने वाले, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऐसा अभी वाक्य हुआ था, बहुत ही रीसेंट है ये, जहां पे आपने देखा होगा कि बहुत ही कुछ एक हुजूम सा उमड़ के आया था, क्राउड पुलिंग इंसिडेंट था, वो क्या चीज था उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच सिटी डिड द फर्नीचर ब्रांड आइकिया मेड हेडलाइंस Recently, when people stood in lines to buy the product, वो कौन सी ऐसी जगह है, सिटी है, जहां पे IKEA जो फर्नीचर ब्रांड है उसको खरीदने के लिए लोग बाग कतारों में खड़े रहते हैं, वो कौन सी जगह है? A कोलकाता, B चेन्नई, C हैदराबाद, D बेंगलुरु। क्या जवाब होगा इसका? ये बहुत ही एक फेमस ब्रांड है IKEA, जिसने अभी अभी हेडलाइंस बनाई थी, and a lot of people who were standing in queues to buy this particular product. So what is that? What is that? और यहाँ विचार विमर्श चलते हुए अगेन सोचा जा रहा है। मचा ये गलत जवाब, तो मैं बैंगलोर की भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा था, मचा, ठीक है, बिल्कुल गलत जवाब है। सो द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु में अभी इन्होंने एक नया सेंटर खोला है IKEA वालों ने, और वहां पे बहुत सारे लोग एकदम से आ पड़े थे
to buy this particular product from IKEA Furnitures. So, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने miss out कर दिया, लेकिन अभी questions और हैं. चलते हैं हम अगले questions की तरफ. ये भी एक current affair है, जो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था. And I am sure that you should be knowing this particular answer. And the question is, which movie got the best movie award at the 94th Academy Awards? I repeat, which movie got the best movie award at the 94th Academy Awards? Option A, Behind Enemy Lines. Option B, King Richard. Option C, Coda. Option D, Dunes. मैम भी लाइक बहन ये तो बता दे. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सो तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 94th ये जो एकेडमी अवार्ड्स हैं, इनको बेटर नोन एज ऑस्कर्स, राइट. एंड फ्रॉम इंडिया इफ यू नो, सो वी हैव बानू अथैया हु हैज वन फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम, वी हैव ए आर रहमान हु हैज वन फॉर जय हो सॉन्ग. And Lagan was the movie that was went to top 5 in the foreign film category. So that is Oscars, right? So that's given to in the entire world for films and cinema. Yes, DPS Sushant Lok. DPS Sushant Lok, we are waiting for the answer, and the answer is yes. Option D. Option A, Behind Enemy Lines. क्या बात है? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. बहुत ही सुंदर लगा मुझे सुन के भी. बिहाइंड एनिमी लाइंस एक ऑप्शन है जिसको एकेडमी अवार्ड मिला है, लेकिन बहुत साल पहले, ठीक है. इट्स नॉट, इसीलिए डाला था ये ऑप्शन में. इट्स अ ट्रिक ऑप्शन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोडा. सो कोडा है दिस ईयर हु हैज गॉट द बेस्ट मूवी अवार्ड एट द 94th एकेडमी अवार्ड. सो बिहाइंड एनिमी लाइन्स गलत जवाब नहीं है, लेकिन 94th में नहीं मिला है, मिला था उसको पहले, राइट. सो बिल्कुल सही जवाब है. राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए. एक बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए. बिल्कुल, है ना. चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का. ये अगेन इट्स अ वेरी वेरी रिसेंट हॉट टॉपिक दैट एवरीबडी इज डिस्कसिंग इन इंडिया. ऑलराइट, so that is, who among the following, I repeat, who among the following is BJP candidate for presidential elections? A, Yashwant Sinha. B, Draupadi Murmu. C, Mamata Banerjee. And D, Lalu Prasad Yadav. Right, so the options are Yashwant Sinha, Draupadi Murmu, Mamata Banerjee and Lalu Prasad Yadav. And the answer is So, B, द्रौपदी मुर्मू. एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत सही जवाब दिया है आपने. बिल्कुल सही जवाब है. इट इज द्रौपदी मुर्मू हु इज द कैंडिडेट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. अच्छा, इसमें से आप में से कोई बता सकता है कि एक ऑप्शन है जो उसकी एलाइज है, जो हमारे वो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यशवंत सिन्हा इज द कैंडिडेट फ्रॉम Congress that they have given. So let's see. All right, very well done. GD Goenka Indrapuram. All right, so next we have the last question. Yes, and the last question is for DAV Pitampura. Are you excited? Yes, sir. Doesn't seem so. Why? So we are excited. So just show your excitement that you are excited, and the question for you is, who has been appointed as the head of Reliance Jio? Sir, it's B. Akash Ambani. भाई देखिए, इसको कहते हैं enthusiasm और इसको कहते हैं अच्छा host. जिसने बोला कि आप एक enthusiasm दिखाइए, भैया option की जरूरत नहीं है हमारे को. हम तो बिना options के answer देंगे. और बिल्कुल आपका correct answer है. सर, तो कहीं सुबह हम जब गाड़ी में आ रहे थे, आप डिस्कस करते हुए आ रहे थे ये वाला क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. तो देखिए, बिल्कुल इसी को कहते हैं डेजा वो हो गया, है ना. ठीक है, तो ये थी आपकी, किसको क्या बोलते हैं, तैयारी जीत की, राइट. सो बाकी लोग ना सोचे कि उनको एंथुसियास्ट मैंने नहीं किया. मैं आपको अगले राउंड में डेफिनेटली करूंगा. अभी बहुत सारे राउंड है, तो जो आगे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि अभी भी आप पीछे हो सकते हो, और जो पीछे उनको दुखी नहीं होना है, क्योंकि अभी भी आप आगे हो सकते हो. तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड की कहानी कंप्लीट होती है. तब तक के लिए मैं जानना चाहता हूं कुछ अपने, तब तक चलते हैं हम सेकंड राउंड की तरफ. तो जेनेसिस, हाउ इज लाइफ एट जेनेसिस, व्हाट इज अ डे
in your life when you are at Genesis? So tell me. Like abhi proper school nahi start with it because of COVID and then we had boards. All right. Yeah, so but like it's really good. Like normally the school starts at 7:45 and okay. then it ends around 3:30 or something at 3:50. Okay. So I have been to your school quite many times, all right, and I've taken some sessions there. So when I enter Genesis, I have a different feel altogether when I go to different school. All right, so there's a you know, bit of relaxing, you know, everybody is very, there's no the edge of the seat kind of situation. I see the teachers, the students also, bahut calm and, you know, usme chalte hain. To aisa, matlab, kyun wahan par, kya aisa environment hai? What? You guys don't study? We do study. We do study. It's really cool. Like the teachers are really good over there. So, you know. So, what is your hobby? What do you do in your free time? Usually listen to songs or read books. Okay. Sometimes. So, who's your favorite writer? Like, different genres. Different genres. Okay. No, because for me, I teach English. For me, abhi main ek question bana raha tha. ठीक है तो मुझे पूछा था आपका फेवरेट राइटर्स कौन है मैंने कहा भाई मेरा तो एक ही है मैंने जो पढ़ा था एरिक सेगाल ठीक है सो लव स्टोरी ठीक है वो अलग बात है पूरी नहीं हुई ये पढ़ने में क्या जाता है ठीक है चलिए चलिए अब हम अगले स्कूल पे चलते हैं अगला स्कूल है हमारे पास डीएवी सो डीएवी टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल व्हाट डू यू लाइक हु इज योर फेवरेट टीचर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन Yes, tell me then. Yeah, so basically our school is a pretty calm school, mm-hmm. just like Genesis. Okay. Everybody is calm there and like we do whatever we like, in education. like basically we... Thank you for clarifying that you are talking about. like basically we follow the principles of reverse teaching. Reverse teaching, yeah. All right. So that's good, that's nice. Yes, Sushant, look. Yes, so we of course have a wonderful school. I've been there from nursing. From fifth grade. Yeah, so it's wonderful. We have wonderful teachers and it's just a very motivated atmosphere, you know, children doing all sorts of things. So we have like them, we have good teaching programs and such activities, so yeah. Wonderful, Sushant Lok. और इसी के बीच में हमारे पास आ गए हैं राउंड वन के स्कोर्स ठीक है राउंड वन के स्कोर्स में मैं आपको बता दूं सो हमारा पहला स्कूल जो है जेनेसिस इज एट 40 पॉइंट्स स्कूल टू दैट इज डीएवी 49 इज एट 10 पॉइंट्स देन वी हैव थर्ड डीपीएस सुशांत लोक इज एट 30 पॉइंट्स Then we have GD Goenka Indrapuram at 30 points. And then we have DAV Pitampura also on 40 points. So right now, Genesis Global and Pitampura is leading by 40 points. So buck up rest of the teams. And now the next question is for our audience. So the next question is on your screen. पर. चलिए अगले राउंड की तरफ चलेंगे हम और अगला राउंड है हमारा फर्स्ट राउंड इज ऑन एंटरटेनमेंट क्या हुआ इतना सन्नाटा क्यों है भाई हा? अच्छा बताइए इतना सन्नाटा क्यों है भाई किसने बोला था कौन सी मूवी का डायलॉग है बहुत ही फेमस डायलॉग है एक बहुत ही फेमस उम्दा मूवी थी कितने आदमी थे हाँ तो लेकिन ये गब्बर ने नहीं बोला था ये बोला था हमारे उस जमाने के सबसे दुखी पिताजी ने ठीक है और वो दुखी पिताजी थे हमारे एके अंगल साहब ठीक है इतना सन्नाटा क्यों है भाई ठीक है सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उनसे मिला था देहरादून में आई एम फ्रॉम देहरादून ऑलराइट सो ही वॉज रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ आर पल्टन बाजार एंड आई मेट हिम एंड द ओनली फरमाइश दैट आई रिमेंबर वॉज इतना सन्नाटा क्यों है भाई राइट सो ही वाज सेड अरे वो तो बहुत जमाना बीत गया है लेकिन तो एक अंगल साहब थे तो एंटरटेनमेंट और ये ऐसा बोलते भी हैं कि इस दुनिया में तीन ही चीजें बिकती हैं और वो क्या है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट तो चलते हैं अपने उस राउंड की तरफ जो है एंटरटेनमेंट का सो फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस ऑन एंटरटेनमेंट ओवर टू यू सर रूल्स मैं बता देता हूं आपको इस रूल राउंड का क्या रूल है
इस सेगमेंट में हर एक टीम से एक सवाल पूछा जाएगा. अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा +10, अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा -5. ठीक है, देयर इज अ नेगेटिव ऑफ -5. लेकिन कैच हियर इज, इफ यू पास द क्वेश्चन देन देयर इज नो मार्क्स डिडक्टेड, नो मार्क्स गिवन टू यू. बट फॉर रेस्ट ऑफ द टीम्स, हूसोएवर हिट्स द बजर फर्स्ट विल बी गिवन अ चांस टू आंसर दैट क्वेश्चन. ओके, will be given that chance. Okay, +10, -10. Okay, +10, -10, if you hit the buzzer. Okay, am I clear? Sir, yes. If on the past question we guess incorrect, then -10. -10. If you hit the buzzer and you answer it incorrectly, it's a +10 or a -10. I repeat the rules once again. So this particular question is, I will ask a question. If the first team to which the question is asked, they answer it, you get a +10 and a -5. All right? But if the question is passed and you hit the buzzer, all right, and then you attempt the question, you get a -10 for the wrong answer and a +10 for the correct answer. Am I correct? Is the rule correct to everybody? So I'll just give you an example. I'm asking a question to Genesis. All right? Genesis se maine ek question pucha. Unhone jawab de diya, sahi hai, +10. गलत है -5. नहीं जवाब दिया, द क्वेश्चन पासेस टू यू. ऑलराइट, यू हिट द बजर, देन वी आस्क द ज्यूरी, दे टेल अस दैट हूसोएवर हैज हिट द बजर, यू आंसर इट करेक्टली +10, यू आंसर इट रॉन्ग -10. ऑलराइट, सिंपल. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट राउंड. ऑलराइट, एंड द फर्स्ट सेट व्हिच इज ऑन एंटरटेनमेंट, एंड द क्वेश्चन इज, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन टू द टीम इज, Who is the director of the movie Titanic? The options are A. Christopher Nolan, B. James Cameron, C. Quentin Tarantino, or D. Steven Spielberg. All right, yes. Is the question clear? Titanic, एक ऐसा जहाज जिसके बारे में बोला जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता, और अपनी पहली ही जब इनसे जर्नी शुरू करी थी, एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया, जिसके ऊपर एक बहुत ही फेमस हमने मूवी भी देखी थी, बहुत एकेडमी अवार्ड्स मिले थे उसके ऊपर. तो देखते हैं क्या है डायरेक्टर का नाम जिन्होंने डायरेक्ट करी थी ये मूवी टाइटैनिक. बहुत ही फेमस गाना भी है, सेलिन डियोन ने गाया था इसमें, बहुत ही क्या मधुर आवाज थी उनकी, है ना. फर्स्ट आप ये बताओ कि आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो और यू वांट टू पास, पहले आप ये डिसाइड करो. So my heart will go on was the song, okay, which I believe is the same feeling that Genesis is going through right now. So Genesis ke dimag mein bhi yahi cheez chal rahi hai. Ye kya puch liya sir aapne humse? Hum to is zamane ke log hain. Kahan aap hamare ko? I think if I remember it correctly, the year was 1912 when this happened. It's a really old movie, sir. It happened in 1912. The incident happened in 19. If I remember it correctly. Yes, you will attempt. Okay, fine. You'll attempt. All right. So then, what is the answer? B. James Cameron. James Cameron. James Cameron is the right answer. क्या बात है, क्या बात है. टाइटैनिक एक ऐसी मूवी थी जिसके लिए बहुत सारे उनको ऑस्कर अवार्ड मिले थे. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जेम्स कैमरॉन की एक और ही मूवी थी, ठीक है, जो उन्होंने 3D टेक्नोलॉजी पे उन्होंने मूवी बनाई थी, वो कौन सी मूवी थी, क्या बता सकते हैं आप मुझे? Yeah, it's a voluntary question. Avatar, absolutely correct. And I'm sure that you know that Avatar 2 is just around the corner. It's about to release. All right, so that's James Cameron for you guys. All right, let's go to the next question. That is question number 2. The next question is, who is the director of the upcoming Bollywood movie, Dhunki? Option A, Rohit Shetty. Option B, Karan Johar. Option C, Anurag Kashyap. Option D, Rajkumar Hirani. पास पास. तो इसको हम डंकी बोलते हैं, ये भी मूवी है. सो नाउ द क्वेश्चन इज पास्ड टू रेस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड बजर, इट्स अ बजर थिंग. ऑलराइट, सो वी हैव जीडी गोयनका, इंद्रपुरम, सी अनुराग कश्यप. इट इज द रॉन्ग आंसर. अफसोस कि ये गलत जवाब है. बहुत बहुत करेक्ट आंसर इज राजकुमार हिरानी. सो राजकुमार हिरानी साहब के बारे में एक बात बता देते हैं कि
इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं आज की जनरेशन के जिन्होंने अभी जितनी मूवीज बनाई हैं, ठीक है, सब ब्लॉकबस्टर्स हैं, ठीक है, आप कोई सी भी ले लीजिए, ठीक है, सब ब्लॉकबस्टर्स मूवी बनाई हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने जितनी मूवीज बनाई थी उनकी सारी मूवीज की जो पहली चॉइस थी वो थे वो एक्टर जो इस मूवी में अब उनके साथ स्टार करेंगे, और उनका नाम है मिस्टर शाहरुख खान। तो शाहरुख खान जी बड़े साल से हर एक मूवी, चाहे वो मुन्ना भाई हो, चाहे वो थ्री इडियट्स हो या पीके हो, उन्होंने सब रिजेक्ट कर दी कि नहीं हम नहीं करेंगे। और अब जब वो चार साल के बाद जीरो के बाद अब हीरो बनने की कगार पे दोबारे हैं, तो लगातार हर हफ्ते एक मूवी की अनाउंसमेंट होती है, और वहीं ये मूवी अनाउंस हुई है जिसका नाम है डंकी, विच विल रिलीज नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट? सो दैट इज डंकी फॉर यू, राइट? सो दैट इज some trivia for you guys, right? Let's go. So no problem. It's a negative 10 for you. Ouch. Laga thoda sa. Bahut zyada laga. To koi baat nahi. Abhi hum wapas aayenge. Josh ke saath chalte hain. Hamare DPS Sushant log ke paas. Aur agla question hai hamare paas. The next question is, which was the first movie of Salman Khan? The options are following. Baghi, Bibi Ho Toh Aisi, Maine Pyar Kiya, aur Suryavanshi. Maine Pyar Kiya. फिर से हो जाए एक बार आंसर। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार के पांच नंबर डीपीएस सुशांत के ले जा। और ये है बिल्कुल गलत जवाब। तो क्वेश्चन पासेस टू ऑल। इफ somebody wants टू ट्राई, ओके, यस, सो राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज बीवी हो तो ऐसी। मुझे पता था ये आंसर हमने इसीलिए डाला था इसमें कि मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया उनकी फर्स्ट मूवी नहीं थी, पहली मूवी थी जब वो रेखा जी के देवर बन के आए थे बीवी हो तो ऐसी में, साइड एक्टर का रोल, बट द फर्स्ट मूवी दैट्स कंसिडर्ड टू बी देन लॉन्च मूवी ऑफ है, ही वॉज नॉट, ही वॉज द एक्टर देयर, राइट? सो उसमें वो थे और वो देवर बन के आए थे, और उसमें बिंदु जी थी। सो इट वॉज अ मूवी ऑन सास और बहू का रिलेशनशिप पे मूवी थी ये, एंड बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था इस मूवी का एक जो बिंदु जी बोलती थी, और वो थी सेक्रेटरी फॉलो मी। तो चलिए फॉलो करते करते हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड 2021? द ऑप्शंस आर तापसी पन्नू और पल्लवी जोशी, कंगना रनौत, रानी मुखर्जी। Yes, GD Goenka. GD Goenka, this is the Best Actress Award at the National Award 2021. Yes. Attempt or pass? Pass. All right. Okay. It's a buzzer then. Whoever wants to try. पास हो चुका है क्वेश्चन, एनीबडी वांट्स टू ट्राई? क्या बात है, एंटरटेनमेंट, मतलब ये सब स्टूडियस जनता है लगता है मुझे, है ना? हाँ, इनसे पूछिए परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी किसने दी थी, नेशनल इनकम क्या होता है, ये सब बताएंगे, है ना? ये अवार्ड ओवर हमें नहीं पता। नो सर, नोबडी वांट्स टू ट्राई? यस, ओके, फाइन, ऑलराइट। सो द आंसर आपको मैं दे देता हूँ, द पर्सन हु वन द बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड 2021 वॉज कंगना रनौत। कंगना रनौत वॉज द आंसर, एंड शी वन इट फॉर मनी कर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी एंड पंगा। तो कोलैबोरेशन में दोनों मूवीज के लिए मिला था। वी नो दैट मनी कर्णिका क्वीन ऑफ झांसी वॉज डायरेक्टेड बाय कंगना हरसेल्फ, ऑलराइट, सम पोर्शंस ऑफ इट, एंड द अदर वन पंगा वॉज डायरेक्टेड बाय, यू नो हु डायरेक्टेड छिछोरे? छिछोरे नो, नितेश तिवारी। तो नितेश तिवारी की जो वाइफ है उन्होंने बनाई थी, मिसेस तिवारी, शी डायरेक्टेड पंगा, एंड फॉर बोथ द मूवीज शी गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट नेशनल अवार्ड 2021। सो राइट, सो नाउ वी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दैट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज पीतमपुरा, एंड द क्वेश्चन इज, विच अवार्ड इज कंसिडर्ड द हाइएस्ट इन द इंडियन सिनेमा डायस्पोरा? ए दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, बी आर डी बर्मन अवार्ड, सी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और डी फिल्म फेयर अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड।
राइट आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसे हम अभी पूछ रहे थे आपसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे हैं, वैसे दादा साहब फाल्के इज कंसिडर टू बी द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. एंड हमारे इंडियन सिनेमा में ही अगर हम देखें तो देर आर सर्टन ट्रिविया ऑल्सो. द फर्स्ट मूवी कोई बता सकता है? द फर्स्ट मूवी दैट वॉज देयर इन द इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दैट वॉज द फर्स्ट टॉकिंग मूवी दैट केम इन 1931. यस, बट वॉट इज द अदर वन? द फर्स्ट वन दैट वॉज राजा हरिश्चंद्र. सो राजा हरिश्चंद्र वॉज द फर्स्ट मूवी that came, all right, and now the second, the talking movie was Alamara. Right, okay, we are going on to the next round, the next set of second round two. Next set mein, there is a plus 10 and minus 5. It's a non-transferable round. It's a non-transferable round, but you will get a plus 10 for every correct answer and a minus 5 for every wrong answer. There are no options here. There are no options. The question are, who am I? So I'll give you hints. I'll give you hints one by one. And you have to identify who the person is I'm talking about. Right? Clear, everyone? Any doubt? Clear, everyone? All right. So let's begin. The next set, that is question number 6. Who am I? And my first question goes to Genesis Global. I was born on 11th October 1942 to parents. One was a prolific poet and the other was a social activist. I studied at Sherwood School, Nainital. I am an occasional singer and was member of parliament, Lok Sabha. My debut movie was Saath Hindustani. Who am I? Who am I? All right. So hint one, I was born on 11th October 1942 to parents. One was a prolific poet and the other was a social activist. I studied at Sherwood School, Nainital. I am an occasional singer and was a member of parliament, Lok Sabha. My debut movie was Saath Hindustani. Who am I? Who am I? One. Two. Amitabh Bachchan. Great. बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है. It is सदी के महानायक मिस्टर बच्चन क्या के बारे में हम बात कर रहे थे. वो जन्मे थे 11 अक्टूबर 1942 को, ठीक है. और इनकी फर्स्ट मूवी थी साथ हिंदुस्तानी, जिसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट डेब्यूटेंट. राइट, इट्स वेरी वेल डन, दैट्स मिस्टर बच्चन. वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु एम आई. All right, and the next question is, I was born on 24th April 1973 in Bombay. My father was a well-known novelist and a poet. I was awarded the Arjuna Award in 1994. At the age of 14, I was selected to play the Ranji Trophy. I repeat, I was born on 24th April 1973 in Bombay. My father was a well-known novelist and a poet. I was awarded the Arjuna Award in 1994. And at the age of 14, I was selected to play the Ranji Trophy. Who am I? Who am I? One, two. Can you just meet? Would we get a zero? Yes, you'll get a zero. Three, four, five. All right, so DAV has passed the question. Anybody else? You will not get any marks, but anybody would like to try? Sachin Tendulkar. Yes, Sachin Tendulkar is the correct answer. Wonderful. So Sachin Tendulkar sahab jo the hamare, ye the jo 14 years ki age mein select ho gaye the. It was very obvious. Ranji Trophy, yeah. And Arjuna Award is given for sports persons, isn't it? Yes. So that was there. Chaliye. Anyway, let's go to the next one. And next one is for Sushant Log. I was born on 28 September 1929. I got the Dada Saheb Phalke Award in 1989. I have produced films like Jhanjar, Kanchan and Lekin. I also got the Bharat Ratna Award. Who am I? I repeat. I was born on 28 September 1929.
I got the Dada Saheb Phalke Award in 1989. I have produced film like Jhanjar, Kanchan and Lekin. I also got the Bharat Ratna Award. Who am I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And the time is up. You want to answer or you want to pass? All right. Anybody else who would like to try? Anybody else who would like to try the who am I question? Sir, is it Raj Kapoor? Raj Kapoor? Afsos, ye galat jawab hai. Sir, minus to nahi hai na? Nahi, nahi, minus nahi honge. So, the name is, you know, because I am very close to music, so the person is Swargiya Lata Mangeshkar ji. Okay, so Lata Mangeshkar ji is the Bharat Ratna awardee and she was born on 28th September and unfortunately, we have lost her this year only in the month of February. Wonderful singer, prolific singer and a notable person. So that's Lata Mangeshkar for you. We are going on to the next Who Am I question and the Who Am I question goes to G.D. Goenka. I was born on 23rd March 1953 to Gujarati parents. My father was the head brewmaster at the United Breweries. I was elected as a member of United States National Academy of Engineering in 2019. I am an executive chairperson and founder of biotechnology company. Who am I? I repeat, I was born on 23rd March 1953 to Gujarati parents. My father was the head brewmaster at the United Breweries. I was elected as a member of the United States National Academy of Engineering in 2019, and I am the executive chairperson and founder of biotechnology company. Who am I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time is up. You want to answer? Pass. You want to pass. All right. Anybody else? Anybody else who would like to try? There's no negative marking. If somebody wants to try, which question is this? No? So the answer is Kiran Majumdar Shaw. So, bachche sunte hue, ye kaun hai? Kya ye isi gola ka hai? E gola ka nahi hai ye. नहीं तो बिल्कुल ये इसी गोला के हैं और वेरी प्रोनाउन एंड प्रोलिफिक पर्सन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए सो दैट्स किरण मजुमदार शॉ ऑलराइट सो नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट हु एम आई ऑलराइट एंड इट इज आई वाज बोर्न ऑन 25th दिसंबर 1924 आई एम अ रेनाउंड पोएट एंड राइटर आई सर्वड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ टर्म ऑफ 13 डेज इन 1996 अंडर माई टेन्योर इंडिया कैरीड आउट Pokhran 2 in 1998. Who am I? I repeat, I was born on 25th December 1924. I am a renowned poet and writer. I served as a prime minister for a term of 13 days in 1996. Under my tenure, India carried out Pokhran 2 in 1998. Who am I? Who am I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atal Bihari Vajpayee. And that is the absolutely correct answer. Atal Bihari Vajpayee, 10 points, DAV. So 10 points aapko milte hain aur Atal Bihari Vajpayee ek aise hamare pradhanmantri the jinhone 13 दिन के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके बाद फिर सरकार हमारी गिर गई थी कोलिशन गवर्नमेंट थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं हमारे देश के लिए ठीक है पोखरण बींग वन ऑफ देम ठीक है देन ही स्टार्टेड ऑल्सो फ्लैग ऑफ दी बस कहाँ के लिए बता सकते हैं बस उन्होंने करी सर व्हाट सर पाकिस्तान में कौन सी जगह थी वो जहाँ के लिए बस उन्होंने बिल्कुल सही जवाब है तो वहां के लिए थे सो ऐसे थे हमारे अटल जी और इनके ऊपर बायोपिक अनाउंस हुई है
जो कि नेक्स्ट ईयर तक हमारे सामने होगी, बायोपिक ऑन अटल बिहारी वाजपेयी। ऑलराइट, सो ये था हमारा सेगमेंट टू। अब हम चल रहे हैं सेगमेंट थ्री के ऊपर, जो कि है स्पोर्ट्स के ऊपर, जो है स्पोर्ट्स। एंड ओवर टू यू प्रिंस सर। ओके सर, अगेन रूल्स आर द सेम, ठीक है। सो ओवर टू यू, द क्वेश्चन इज विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द ओलंपिक्स 2024। ऑप्शंस आर टोक्यो जापान, बीजिंग चाइना, लंदन इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस। ओलंपिक्स 2024। खेलकूद, ठीक है, बहुत हुआ माइंड का गेम, अब आए खेलकूद पे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अच्छा, ओके, सो इन दिस राउंड अगेन द रूल्स रिमेन्स द सेम एज द फर्स्ट राउंड, ठीक है, इट्स अ पासिंग राउंड, ओके, बट इन दिस राउंड द स्कोरिंग ऑल्सो रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, सो प्लस 10 माइनस 5, इफ यू पास द क्वेश्चन यू हिट द बजर, प्लस 10 एंड माइनस 10, ओके, प्लस 10 एंड माइनस 10। ऑलराइट, कैन वी हैव द आंसर प्लीज जेनेसिस? ऑप्शन ए टोक्यो जापान। And Tokyo, Japan is the wrong answer. Tokyo, Japan is the wrong answer. So, आपको मिलते हैं minus 5. And the first person to buzz? So, Beijing, China. Options दे दिए थे ना मैं आपको, okay, आपको buzzer बजाना है. ठीक है. Still it's the wrong answer. The correct answer is Paris, France. But it's only passed once. ठीक है. So, it is a minus 10 for you. So, the correct answer, sir. Paris, France. So it is Paris and France that will be conducting Olympics 2024. So jaldbazi mein apne hosh mat khoiye, theek hai? Wo option wahan isiliye dala gaya hai kyunki pehle wahi tha. Wo baad mein change ho gaya. Reasons abhi hum baat nahi karenge uske bare mein. But then, theek hai? Chaliye, agla question to DAV 49. Okay, the question is, who among the following is a former national level volleyball player and first female ampute to scale Mount Everest and Mount Vinson? The options are Shantosh Yadav, Bachendri Pal, Anurima Sinha and Premalet Agarwal. Premlata Agarwal. So, ये भी काफी अभी news में था, सारे लोग बात कर रहे थे इसके बारे में कि कौन है क्या नहीं है. So, who among the following is a former national level volleyball player and first female amputee to scale Mount Everest and Mount Vinson? Yes. Bachendri Pal. It's the wrong answer. Ye bilkul galat jawab hai. So -5. -5. All right. So we have Sushant Lok. It's the right answer. Bilkul sahi jawab hai. Aapko milte hai +10. +10 अरुणिमा सिन्हा को के लिए. आपने बिल्कुल सही देखे, बिल्कुल जो है तुम्हारी छोरी का छोरों से कम है, बिल्कुल आपने सही किया, ठीक है, और बिल्कुल सही जवाब लेके पा गए हैं 10 रन, जो जा सकते थे डीएवी 49 के पास, लेकिन जाते जाते चुराना, ठीक है, वो लिया है सुशांत लोक ने, बिल्कुल काम. चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है सुशांत लोक के लिए. दिस वन इज अ ट्रिकी वन, सो लिसन केयरफुली. विच अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स has not won the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? Option A, Sachin Tendulkar. Option B, Kapil Dev. Option C, MS Dhoni. Option D, Virat Kohli. Cricketers who have not won the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. So, इनमें से कौन सा वो क्रिकेटर है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है? ठीक है, ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, एमएस धोनी या विराट कोहली. कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको नहीं मिला है? यस, एंड द आंसर इज डी, विराट कोहली इज द रॉन्ग आंसर. इट्स ओपन फॉर द बजर राउंड. यस धोनी, एमएस धोनी इज द रॉन्ग. यहां मिलता है -10 मिलता है और -5 मिलता है सुशांत लोक को, -10 मिलता है डीएवी पीतमपुरा को. और करेक्ट आंसर इज कपिल देव इज द करेक्ट आंसर. बाकी तीनों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. अगला क्वेश्चन है हमारे जीडी गोइंग का इंदिरापुरम के लिए. एंड द क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप?
The options are 1971, B 1975, C 1979, D 1980. So कौन सा वो साल था जिसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना हॉकी वर्ल्ड कप जीता था? फर्स्ट टाइम. फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता था? यहीं अगर हम क्रिकेट के बारे में पूछते तो शायद जवाब जल्दी आ जाता, हॉकी में हमें देर लग रही है. हां जी, कोच कबीर को बुलाना पड़ेगा हमें. बहुत ही गहरा अध्ययन चलते हुए, वो हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए लगे हुए हैं वो दोनों आपस में ही बात करने में. उन्हें इस वक्त कोई मतलब नहीं है कि हम कहां बैठे हैं. जी गोइंका, जी डी गोइंका, इंद्रपुरम. देखिए अभी भी नहीं सुना. जी डी गोइंका. यस सर. बी 1975. एंड इट्स द राइट आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. एंड यू गेट प्लस 10 फॉर दैट आंसर. 1975 वाज दैट ईयर जहां पे हमने फर्स्ट टाइम हॉकी वर्ल्ड कप जीता था. और क्रिकेट कप जीता था हमने? गोइंकास 1983. देखिए ऐसे ही होता है जब हम जोश में होश खो देते हैं. अभी हमारे पास 83 मूवी भी आई थी, वो इसीलिए बनाई थी क्योंकि वो फर्स्ट ईयर था जिसमें हमने अपना वर्ल्ड कप जीता था. वेरी गुड. एंड देन वी हैव द नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वन द मेन्स सिंगल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? ऑप्शंस आर रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक और डैनियल मेदवेव. सर इट्स बी राफेल नडाल. इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही है. बहुत ही करंट क्वेश्चन है ये. अभी रिसेंटली ही हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022. विमेन्स में जीती थी डैनियल मेडवेव. बिल्कुल. तो ये देखिए हमारे दर्शक, अब मुझे लगता है कि धीरे 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 हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी बाहर निकल के आ रहे हैं. और राफेल नडाल 21st जीता है अपना ग्रैंड स्लैम टाइटल. एब्सोल्युटली. तो देखिए ट्रिविया भी हमें मिल गई है. 21st ग्रैंड स्लैम इज वन बाय राफेल नडाल. ठीक है. एंड विमेन्स सिंगल आपने बताया. ठीक है. इज डैनियल. ठीक है. तो देखिए बिल्कुल अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही इस रोमांच का मजा लेने के लिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल फॉर्म भरिए, नॉमिनेट करिए अपने स्कूल को और पहुंच जाइए इस कॉम्पिटिशन में. ठीक है. वेट कर रहे हैं हम आपका यहीं पर ही. चलिए अगला क्वेश्चन. अब सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपके साथ है. ठीक है. इट इज अ कंप्लीट बजर राउंड. इट्स नॉट गोइंग वन बाय वन. ठीक है. इट्स अ कंप्लीट बजर राउंड. ऑलराइट. एंड दिस बजर राउंड इट इज माइनस प्लस 10 एंड माइनस 5. Okay, I repeat, it's a complete buzzer round. Okay, plus 10 and minus 5. All right. So, sir, अगर ये बीच में buzzer बचा दे, मतलब buzzer press करते हैं सवाल खत्म होने से पहले तो count किया जाएगा. Count किया जाएगा. ठीक है. Count करेंगे. अगर आप लोग buzzer press कर देते हो तो count हो जाएगा. फिर आपको answer करना. इतना हमारा ठीक है. हम बच्चों को इतना वो दे देंगे. ठीक है. तो question है आपके सामने. मैं बहुत जल्दी से पढ़ूंगा question को. Question है, who wrote Two States? So we have GD Goenka. Chetan. Absolutely correct answer. Absolutely correct answer. That is Chetan Bhagat, option B. उन्होंने options की wait भी नहीं करी और सीधा answer दे दिया है. So plus 10 goes to GD Goenka, Indrapuram. ये तो hobby पता चलती है फिर. Right. Chetan Bhagat की और books बता सकते हो? Our girlfriend, One Night at the Call Center. Very good, very good. Very good, very good. And? Revolution 2020 and Girl in the Room 105. Very good. Wonderful, wonderful. Round of applause for, what's your name? Piyush. Piyush? Gautam. So, Gautam ji, kya baat hai? Matlab, Chetan Bhagat ke to bade fan lag rahe hai aap, hai na? Bilkul, bahut hi badhiya, sundar. ठीक है. भगवान करे आपको भी आलिया जल्दी मिल जाए. ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगले क्वेश्चन पे अगेन इट्स अ बजर. एंड द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? सर इट्स ओके. सो ओके देखिए यहां पे हमारी जो जूरी है उनका जो वर्डिक्ट है वो माना जाएगा और हमारी ज्यूरी बोल रही है इट इज डीवीएवी पीतमपुरा. डीएवी पीतमपुरा. यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू आंसर. सर इट्स सी रोमियो एंड जूलियट. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज रोमियो एंड जूलियट. विलियम शेक्सपियर
नहीं, जो रोमियो एंड जूलियट लिखी थी, इसके ऊपर बहुत सारे इन्होंने प्लेज लिखे हैं, जैसे हैमलेट. हैमलेट के ऊपर मूवी कौन सी बनी थी पता है किसी को? हैमलेट, मैकबेथ. मैकबेथ पे कौन सी बनी थी? हैदर. वेरी गुड, वॉज हैमलेट. मैकबेथ वॉज मकबूल, वॉज मकबूल. ऑलराइट, एंड रोमियो एंड जूलियट डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली. रामलीला, रामलीला, दैट वॉज ऑन रोमियो एंड जूलियट. राइट, सो दैट्स विलियम शेक्सपियर फॉर यू, वेरी प्रोलिफिक राइटर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन इट्स अ बज़ अराउंड, व्हिच बुक वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? Which book won the International Booker Prize 2022? Sand and the Storm, Tomb Raider, Tomb of the Sand, and the Sand Dunes. Okay. All right, yes. Dunes. Sand Dunes. Of course, that is the wrong answer. So -5 for you, -5 for Genesis Global. It is still open. Anybody wants to try? Anybody wants to try? Anybody who wants to try, and the question passes. Let's go to the next question. Please tell me that. The answer is Tomb of Sand. Tomb of Sand is the correct answer. Who won the International Booker Prize 2022? We're going on to the next question, and the next question is, Wings of Fire is an autobiography of? All right, so DAV 49. All right, so yahan pe kaun sa tha jury? Middle. Third one. All right, so DPS Sushant Lok. Absolutely correct answer. Absolutely correct answer. It is APJ Abdul Kalam, jinki autobiography ka naam hai Wings of Fire. Absolutely. Round of applause. Round of applause. +10 to you. Sir, yes. One request. Yes. Sir, can you please put the options at the same time when you speak about the question? Okay. All right. Let's do that. So I'll put the first question and then I'll read the question. Okay. That's also. All right. Next one. Okay. All right. So the next question on your screens now. Who wrote the famous book Panch Tantra? Pandit Vishnu Sharma. Pandit Vishnu Sharma is the absolutely correct answer. Pitampura. You get 10 points. तो यहाँ इसी के साथ हम पहुँचते हैं अपने इस राउंड के एंड में. ठीक है, तब तक हमारी टीम स्कोर्स को कोलेट कर रही है, तब तक चलते हैं गोइंका के पास. यस, जी डी गोइंका इंद्रपुरम. लाइफ एट जी डी गोइंका, वॉट इज जी डी गोइंका लाइक? आई हैव विजिटेड योर स्कूल. इट्स अ गुड ऑडिटोरियम दैट यू हैव. ऑलराइट, द फ्रंट बेंचेस वेरी अटेंटिव, द लास्ट बेंचेस नॉट अटेंटिव. व्हाई इज इट सो? I guess they are more interested in co-curricular stuff. Okay. Because yes. The environment in a school is very calming. Actually, yes. That I can feel. Yeah, the administration is very efficient. They always push us to pursue whatever things that we need to achieve. Mm-hmm. Whatever is required for being a great teacher or being a great, you know, kind of persuade about your dreams. Right. So the administration is 10 on 10. Okay. And about the students, yes, the students are also very 10 yes, on 10. Yeah. And then there are students who are good at academics, students right. good at sports. So yes. It's kind of a, you can say like, it's a mix of all things. It's a mix of all things. Yeah. Wonderful, wonderful to hear that. Yeah. No complaints? No complaints. Off the camera? All right. Wonderful, wonderful, GD Goenka. Of course, you know, ye wo kehte hai na, yehi wo pal hai. जो आप इन्जॉय करेंगे स्कूल के, क्योंकि अभी लगता है कि चलेंगे कॉलेज में और करेंगे बहुत मज़े, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, अभी आ गए हो 11th या 12th में, तो घर वालों ने क्या बोला? घर वालों ने बोला कि अभी पढ़ लो तो क्या है, तो लाइफ सेट है. ठीक है, मैं आज पढ़ चुका हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और कमा भी रहा हूँ. घर जाता हूँ तो पापा अभी भी बोलते हैं बेटा कुछ कर लो. ठीक है, मैं कहता हूँ अरे आप तो बोले थे कि 10वीं कर लो, लाइफ सेट है, तुम तो जितना कमाते हो उतना उड़ा देते हो, तुम्हारी लाइफ कभी सेट नहीं हो सकती. तो इसलिए एंजॉय करो, मार्क्स को अपना एक सोल ऑब्जेक्टिव बनाने की जरूरत नहीं. आपको पता है कि एनपीए जो आई है, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपीए जो आई है, उसमें आपने देखा है कि सीयूईटी ठीक है आया है, और सीयूईटी वही एग्ज़ाम है जो आपको एक बहुत ज़्यादा यू नो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देगा. तो सीयूईटी की प्रिपरेशन ढंग से करें, डोमेन के बारे में अच्छे से पढ़ें. ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पर आए,
ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल CUET Adda247, ठीक है, आपके लिए भी आइए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पा जाइए अपना ड्रीम कॉलेज, ठीक है। तो CUET की तैयारी करनी हो या करनी हो क्लास 11th और 12th की, क्लास 11th के लिए भी हमारे पास है एक चीज़, वो है जो करेंगे अपने साकार हर चीज़, नाम है सक्षम। तो सक्षम बैच ज्वाइन करिए और आइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलते हैं हमारे राउंड पे, देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। उससे पहले DAV पीतमपुरा के पास, कि DAV पीतमपुरा का क्या माहौल रहता है वो बताइए। सर इट्स वेरी गुड, इट्स फुल ऑफ एंथुजियाज्म, टीचर्स आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। सर हमें जब भी नीड होती है टीचर्स हमारे साथ खड़े रहते हैं, और सर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेरी गुड, दे आर एंगेज्ड इन academics, co-curricular and a lot of things, and we also participate in many competitions and a lot. ये सुनकर अच्छा लगा सर कि पहला स्कूल है जिसने बोला काम नहीं, काम नहीं है। क्योंकि स्कूल और काम तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता, सही बात है, इंटर रिलेटेड नहीं हो सकते। बहुत सही, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे उसमें? तो मैं बोल रहा था कि हमारी टीचर्स मतलब हमें हमेशा नई चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे कि अभी जैसे बीच में रैप का ट्रेंड था, तो टीचर्स ने हमें स्कूल में बोला कि रैप वीडियोस बनाना सिखाई और म्यूज़िक थोड़ा प्रोड्यूस करना सिखाया। वो सब उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वर्कशॉप हमारे स्कूल में होती रहती हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इनोवेटिव लैब्स, वी कॉल दैट अटल थिंकरिंग लैब, एंड दैट्स बेसिकली दे टीच अस हाउ टू 3D प्रिंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड दे teaches all that stuff and that's it. It's electronics, robotics and many other types of stuff. So देखिए यही है जब बोलते थे ना कि आपने भी सुना होगा jack of all trades and masters of one, ठीक है, gone are the days, it's an egalitarian thought, इसको बोलते हैं एक पुराना thought हो चुका है। अब चाहिए हमारे को jack of all trades and masters of none. We should be a person who should be ready to unlearn, all right, at any stage. ठीक है, अगर आप सीख रहे हैं और सीख के स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं कि यही है जो परम ज्ञान है, तो आप कभी आगे तक नहीं पहुंचेंगे। आपको हर एक एज पर सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ चलते हैं अपने स्कोर्स की तरफ, और हमारे स्कोर्स जो हैं राउंड टू के बाद वो हैं, सो जेनेसिस स्टैंड्स एट 50 points, DAV 49 is at minus five is according to the jury that has given to us. It is -5. So we'll calculate on this particular thing and see. Then we have Sushant Lok is at 40. All right. Then we have GD Goenka Indrapuram at 40 points. And leading the chart right now is DAV Pitampura with 80 points. All right, wonderful, with 80 points. और अब अगला क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हम चलते हैं अगले राउंड के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा राउंड है कुछ ये। यहाँ पे ये किसको पता है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? सर क्योंकि उसमें चॉकलेट होता है। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए किसने यहाँ पर एड्स बहुत ध्यान से दिखता है, देखते हो इधर कोई एड्स? ठीक है, रामू काका जलेबी, आज तो मम्मी ने जलेबी बनाई है। बताओ ये कौन सा एड है? एनीबडी एनीबडी? मम्मी ने तो आज जलेबी बनाई है, जाना तो है लेकिन 20-25 साल बाद। ठीक है, किसी को नहीं पता? धारा धारा शुद्ध धारा, कोई नहीं खाता ना यहाँ पे? सब फिगर कॉन्शियस लोग लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सब नए जमाने के, किसी को नहीं पता धारा धारा शुद्ध धारा। अच्छा कौन से एड्स देखते हो फिर आप, बताओ कोई अपना फेवरेट एड बताओ। सर आजकल के, आजकल के बताओ कोई आजकल का एड फिर। पूरा पूर अच्छा दाग अच्छे हैं, कौन सा था? सर्फ एक्सेल, ये तो सबको पता है सर। तो यही जो टैग लाइन्स और पंच लाइन्स हैं, अगला राउंड जो आपका है ये उसी के ऊपर है। इट्स अ कंप्लीट बजर राउंड। आपसे पूछा जाएगा ब्रांड एम्बेसडर्स, आपसे पूछा जाएगा टैग लाइन्स, आपसे पूछा जाएगा पिक्टोरियल, आपको दिखाए जाएंगे लोगोज, ठीक है, एंड पंच लाइन्स, ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा राउंड है। यू नीड टू हिट द बजर, ऑलराइट, द पर्सन हु हिट्स द बजर फर्स्ट गेट्स +10,
minus 5. So it goes throughout like this. Plus 10 and a minus 5. Pass ke baare mein bata do sir. ठीक है, इसमें there is no passing in this run. All right, so हमारा collated version of scores आ गया. मैं एक बारी आपके सामने फिर से बता देता हूँ कि scores क्या हैं. हमारी team 1 is on 50 points, team 2 is on plus 5 points, team 3 is on 40 points, team 4 is on 40 points, and team 5 is leading the charts by 80 points. ठीक है, that does not mean that the other people, other contestants have lost the game. You still have the chance. We still have 4 sets. All right, 4 sets are there. You need to buck up, pull up your socks, and give them a tough challenge. All right, are we ready? Yes, sir. Can't hear you. Yes, sir. Are we together? Yes, sir. All right, going on to the first question of the set. The question is, who is the brand ambassador of Vimal Ilaichi among the following? A. Akshay Khanna, B. Shah Rukh Khan, C. Salman Khan, D. Hrithik Roshan. It's a buzzer round. Plus 10, minus 5. Buzzer, alright. Sir, it's B. Shah Rukh Khan. It's B. Shah Rukh Khan is the right answer. Bilkul sahi jawab diya hai inhone. Brand ambassador of Vimal Ilaichi is Shah Rukh Khan. Bolo Zubaan Kesari. To bolo Zubaan Kesari. बिल्कुल इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी अभी हुई थी. सो फर्स्ट अजय देवगन वाज द पर्सन हु वाज द ब्रांड एम्बेसडर, देन शाहरुख खान गॉट एडेड, एंड देन अक्षय कुमार वाज आल्सो रॉब्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड. एंड रिसेंटली व्हेन अक्षय कुमार जॉइंड इन, देर वाज अ होल यू नो कंट्रोवर्सी अराउंड दिस, दैट हाउ कुड यू जॉइन दिस एंड यू आर प्रोपोगेटिंग विमल लाइची एंड ऑल. सर, ही आल्सो अपोलोजाइज्ड, ही अपोलोजाइज्ड एंड टुक दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंडोर्समेंट बैक. ऑलराइट, सो इसी बात पे सब लोग एक साथ बोलेंगे क्या? बोलो जुबा केसरी. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. और अगला क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉयड, वन ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ब्रांड ऑफ हेवल्स इंडिया. A. Saurav Ganguly, B. Rishabh Pant, C. Virat Kohli, D. Mahendra Singh Dhoni. So Lloyd है, गर्मी बहुत है, AC जरूर लगाया होगा. अब AC लगाते वक्त किसने हमें बेचा वो AC, वो जानना है. All right, so we have GD going का. Sir, C. Virat Kohli. Virat Kohli, is this the right answer, sir? No, it's the wrong answer. All right, गलत जवाब. The correct answer is Saurav Ganguly. Saurav Ganguly is the correct answer. Correct answer. अफसोस आपके माइनस फाइव हो गए हैं इस क्वेश्चन का. गलत जवाब देने थे. Saurav Ganguly is the brand ambassador for Lloyd. We are going on to the next question, and the next question is, who is the brand ambassador of the campaign बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ in गुरुग्राम हरियाणा? A. पंकज त्रिपाठी, B. मनोज वाजपेयी, C. तनिष्का and रिधिका कोटिया, D. मलिनी आस्थी. ऑलराइट, सो इसमें से अगर आप देखें, पंकज त्रिपाठी जी को सबको जानते होंगे, जानते तो सब सभी को ही हैं. मनोज वाजपेयी कौन है, तनिष्का एंड रिधिका कुटिया कौन है, मालिनी अवस्थी कौन है, ये सबको जानते हैं. ठीक है, सो कौन सा है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, कैंपेन जो गुरुग्राम हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर है? यस, स्कूल्स कम ऑन, पीतमपुरा 49, सुशांत लोग हरियाणा से ही है जी. हाँ जी, छोरियो बताओ क्या आंसर हो रहा, जल्दी जल्दी. हाँ जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. एनीबडी वुड लाइक टू गो फॉर दिस क्वेश्चन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So right. Can we make a random guess? Yeah, you get minus 5 for that. Please go for it. You can make a random guess. Be my guest. So after this, we can predict, can we? Okay, so the question is now over. If anybody wants to guess, you want to guess? Sir, is it B, Manoj Vajpayee? Manoj Vajpayee. No. That's the wrong answer. That's the wrong answer. Theek hai. The correct answer is option number C. C, Tanishka and Riddhika Kotia. That's the correct answer. So minus to nahi hua na? These are two sisters. No negative marking to you. These are two sisters, jo ki brand ambassador bani hai for Beti Bachao, Beti Padhao campaign. We are going on to the next question, and the next question
is on your screens now. It's a buzz around, so I want the agility in the body language. ठीक है? Don't be laid back कि हाँ चलो बजा देंगे, सुन लेंगे, नहीं. ठीक है? चलो. And the question is on your screens now. Who is the brand ambassador of Bengal tourism? A. Babul Supriyo. B. Sourav Ganguly. C. Amitabh Bachchan. D. Shahrukh Khan. Yes, hit the buzzers, guys. Who is the brand ambassador of? All right, Sushanto. Sourav Ganguly. Is the wrong answer. All right, that's the wrong answer. It's not a transferable round. You can just randomly, if you want to answer. Babul Supriyo. Babul Supriyo. It's also wrong. That's also wrong answer. The correct answer is Korbo Lorbo Jitbore. Shahrukh Khan. Shahrukh Khan, Kolkata Knight Riders. Right? He is the brand ambassador of Bengal tourism, Shahrukh Khan. So, minus 5 to Sushant Lok. Alright? Dekhiye, agar aap thoda sa, jaga paper setter, ya aap hi ke liye bata raha hu, jab aap CBSE ka bhi paper denge, ya kisi bhi jagah pe entrance exam dete hain, to samajhiye ki jo paper setter hai, uski psyche ko bhi. जानबूझ के ऑप्शन डाला गया है सौरव गांगुली बाबुल सुप्रियो. बाबुल सुप्रियो क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं बंगाल से. ठीक है, सौरव गांगुली तो है ही वहां के. ठीक है, मिस्टर बच्चन बंगाल से रिलेशन रखते हैं. जस्ट टू कंफ्यूज अस. ठीक है, ऑफ कोर्स. सो इन द क्वेश्चंस इन योर रियल लाइफ ऑल्सो यू विल हैव सिचुएशंस लाइक दीज, जहां पे क्या करें, एंजल डेविल. ठीक है ना, तो एंजल की कोई नहीं सुनता, किसकी सुनते हैं? और डेविल आपके पीछे और आप डेविल के पीछे. Too much fun, right? So, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है हमारा on your screens now. Who is the UNICEF Goodwill Ambassador from India? UNICEF Goodwill Ambassador from India. Deepika Padukone. All right, that's the right answer. That's the correct answer. Plus 10 to Pitampura. Priyanka Chopra Jonas is the UNICEF Goodwill Ambassador from India. Alright, so that was the first set. Yep. That's the first set. Now, we have the next set of questions. Again, in this round, it will be again the same setup. It's a buzzer round. You need to hit the buzzer, but then you need to hit the buzzer very fast. I'll count till 10. If you miss the counting, then it's a question is nullified. Okay? Plus 10, minus 5. Again. So the question is, the next question, it's on the punchlines. Okay, so the punchline of products. Okay, so the first question is, good people to bank with is the punchline of State Bank of India, option A, option B, Indian Overseas Bank, option C, Union Bank of India, and option D, Kotak Mahindra Bank. Guys, rest of the teams, you need to take risk. Tabhi aap beat kar payenge Pitampura ko, otherwise Pitampura is leading the charts. You need to take the risk, and good people to bank with is the punchline of which bank? State Bank of India, Indian Overseas Bank, Union Bank of India, Kotak Mahindra Bank. One, two, try, take the risk. Three. When you don't know the answer, try to eliminate at least. Four, five, six, seven, eight, nine, and 10. Anybody who would like to, want to go? Indian Overseas. Indian Overseas. Sir. Kotak Mahindra. Can we say it casually? Of course, it's casual only now. Not for the points. Though no points, you'll not get sir, any points. Union Bank of India. The correct answer is Union Bank of India. That is, good people to bank with is the punchline of Union Bank of India. Absolutely correct. We are going on to the next question. Now, this particular question, you need to be very, very again, because I don't see that, you know, enthusiasm in you. Sit straight now, guys, and you need to win. Guys, come on, Sushant Log, 49, Genesis, Indrapuram, come on, chakde vatte, chalo, waage nikal jayenge nahi to, theek hai, mera kaam hai ye karna, theek hai, na to is lekar raha hu main, theek hai, to jaldi aage badhenge, aur agla question hai hamare paas, aur agla question hai, job hai to rob hai, is the campaign started by which edtech firm? Job hai to rob hai. Sir, it's Adda247, D part. Kya baat hai? Kya baat hai? Iske liye to ek baar hi sabke saath ho jaye. Hip hip hooray for Adda247. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip.
Right, so that's a very recent campaign that we have started. Sir, I saw it yesterday only. You saw it? Yeah. So which ad did you see? I was seeing random current affairs, so the intro was that. The intro was this? Yes, sir. Yes, so the job hai to rob hai is a campaign that we have started recently where we are in a process of giving these advertisements. Alright, and we tell that the joy for a middle class family, it's all about getting the job for the first time. So, you've seen the old pictures, I don't know, dekhte hain ki dekhte hain. So, you see that, Ma, mujhe naukri mil gayi. Dekhte hain, ha. अब हम अपनी गुड़िया की कब ब्याह कर पाएंगे है ना ऐसा डायलॉग मारे जाते थे निरुपा रॉय वाज वेरी फेमस फॉर इट राइट आपने देखा होगा मर्द मूवी में अमर अकबर एंथनी में ये इसमें करते थे बहुत सारा ठीक है तो ये था जॉब है तो रॉब है ठीक है इज द कैंपेन दैट इज बाय अड्डा 247 वेरी वेल डन पीतमपुरा वेरी गुड राइट सो लग रहा है कि मुझे ऐसा पीतमपुरा कुछ प्रिपेयर करके आया है कि अभी हम क्लास में रास्ते में डिस्कस कर रहे थे मैंने कल ही देखा था गुड व्हाट अबाउट अदर्स गाइस Right, chaliye, we'll go to the next question. And the next question is, born tough is the punchline of. Born tough is the punchline of. Yes. Hit the buzzer, we are waiting for it. Born tough, yes. Shushant Lok. MRF, and that's the wrong answer. That is the wrong answer. The correct answer is C8 tires. C8 tires, minus 5 for Sushant Lok. Minus 5 for Sushant Lok. And we have C8 tires. We are going on to the next question. Alright, we are going on to the next question. And the next question is, again the punchline, on your screens, now. Har ghoot mein swag hai is... Alright, no answers. We want the jury to first of all... Fourth, alright, that means GD Goenka, Indrapuram is... B, Pepsi. Pepsi, absolutely correct. Alright, so together hum karenge kya? Sab log karte hain saath mein, har ghoot mein swag hai. Right, so bilkul sahi hai, that is, har ghoot mein swag hai is Pepsi. Alright, so recently they have started another campaign with Badshah and Jacqueline Fernandez. That is also coming on air very, very soon. Alright. So, her ghoot mein swag is Pepsi. We are going on to the next question. That's the last question for this segment. Alright, punchlines. And this is, say yes to the world is the tagline of. Say yes to the world is the tagline of which airways? Qatar Airways. And yes, the... Lufthansa Airlines. Absolutely correct. That is Lufthansa Airlines. A special... Round of applause, rukna nahi chahiye because that was a very tricky question. Why? So again a round of applause for them. Why? Because if you go and search on Google for Lufthansa Airlines, you will find there is no better way to fly Lufthansa. Right? So this is a very, very tricky question, Sushant Lok. Very good that you got it right. That's Lufthansa. Alright, so we are going on to the next question, next set of questions. This is the logo. This is the logo. You have to identify the logo. Alright, it's a buzzer round. It's a buzzer round again. Plus 10, minus 5 remains intact. Alright, buzzer round again. Okay? Okay, so the first logo on your screens. Now. Yes. Okay, yes. One. Sir, it's Ferrari. Ferrari. That's the correct answer. Okay, now here, a caution. Since it's a buzzer round, okay, if you hit the buzzer and you tell the answer, abhi is wale round mein, somebody said the answer first. So it's your loss. Okay? So I'm making the rules once again. If you are hitting the buzzer, wait for us to tell you that who is supposed to answer. Because somebody uttered Ferrari, and maybe the other team has heard it. Alright, so that's your loss. That's your loss. So, you raise your hand. Okay, you raise your hand, people will see it. Okay, acha, so everybody will give them also a chance because raising our hand also. So, in this round, from now onwards, for next four questions, no buzzer. Let's raise the hand. Okay, let's raise the hand. Because their buzzer is not working. So, that will give you an adrenal rush also. So, let's play fair. Okay, so we'll raise the hand, everyone. Alright, so the next logo for you is...
All right. So it's Bentley. Absolutely correct. Plus 10. See, this is all about, this game is all about agility. So jitni jaldi haath uthaoge utna zyada acha hai aapke liye. Theek hai? So it is Bentley. Very good. We are going on to the next logo, and the next logo is Sugar Cosmetics. Absolutely correct. Indrapuram, this is Sugar Cosmetics. And who is the CEO of Sugar Cosmetics? She was in Shark Tank. Yes, absolutely correct. So wonderful, wonderful. So Sugar Cosmetics, and no, wo kehte na, ashchari ki koi baat nahi hai, why the girl got the answer correct. Alright, Sugar Cosmetics. So bilkul sahi jawab hai. Sugar Cosmetics, and let's go to the next logo, and the next logo is on your screens now. Alright. School 4, minus 5 for you. Minus 5 for you. It's not Minisu. It's anybody who would like to try? Uniqlo. Absolutely correct. It's Uniqlo. I'm sorry, but I cannot give you marks. But the correct, it's a brand, clothing brand called Uniqlo. Alright, Uniqlo. I'm sure sabko pata hoga. That's Japanese. Yes, yes, yes. And Minisu also. So that's why they got confused. Right? Again. So that's Minisu is for stationaries and all that stuff that you get. This is a pure clothing brand. Alright. Ambience Gurgaon, Saket, okay, Dwarka, everywhere it is available. Okay, brand promotion kar diya, Uniqlo aapka, okay? Alright. Chaliye. Next one. Alright, the next logo is Axis Bank, and it's the wrong answer. Minus 5 for you. Just try. Yes, Mitsubishi. Absolutely correct. It is Mitsubishi. So minus 5 for Pitampura. All right. So that was logo. Was that interesting? Was it interesting, guys? Yes, sir. Aaya thoda sa khel ke ki kise logo identify karna hai, kya karna hai. All right. So we are going on to the last leg of the quiz. It's a last leg. Again, it's a buzzer round. But in this buzzer round now, it will be passed. The questions will be passed. So the first team who answers the questions, okay, you get plus 10 or a minus 5. Take it. The second team who answers, you get plus 10 minus 10. No. You get plus 20. Take it. And minus 25. So can you please repeat? Okay. So first round, if you raise the hand first, you get a plus 10 and a minus 5. Take it? Plus 10 and a minus 5. If the question you answer is wrong or you pass or whatever, take it. Not pass, but you answer it wrongly. It goes to the next team. The next team gets a plus 20. And if they answer it wrongly, they get a minus 25. All right, clear everybody? Clear everybody? Plus 10, minus 5. Second team who attempts the question, and it will not pass further. Second team, plus 20, minus 25. Okay, minus 25. Raise your hands. Our team is very agile there. They'll definitely help you out, and they'll be fair also. Don't worry. So, this is the... Haath. So, you have to raise your hand. Haath uthayenge sab log. All right. So, the next is... You have to identify the personality. Identify the personality by the picture shown there. Okay. So whosoever raises the hand, you get a plus 10, minus 5, plus 20 and a minus 25. All right. So that, I'm just luring. So it's a lucrative offer that you have. And the first picture that is there on your screens, I want you to be glued on the screens. Everyone, are we ready? Yes, yes. Are we together? Yes. Are we nervous? Yes, sir. All right. So yes, for that, let's have the first picture on the screen, and it is here. All right. So we have Sushant Lok. Sushant Lok. Yes, that is the absolutely correct answer. And round of applause, because these will not be easy for you. Very round of applause for you. Ustad Bismillah Khan is plus 10 for you, plus 10 for Sushant Lok. Wonderful, wonderful, wonderful.
We are going on to the next one. Next one, again, nail-biting edge questions. All right, are we together? Yes. Are we ready? Yes. On your screens, now. All right, yes, wait. Third one. Namita Thapar. Okay, all right. मैं आपसे बिल्कुल relate कर पा रहा हूँ, ठीक है, and I'm not out. मैं आपके जवाब के साथ हूँ बिल्कुल. The answer is Namita Thapar. Absolutely correct. Plus 10 to Sushant Log. Sir, okay. Sir, हमारी इसमें कोई expertise नहीं है. बिल्कुल, इसीलिए हम out हैं. बिल्कुल सही जवाब है आपका. That is Namita Thapar. We are going on to the next question. And the next question, the personality on your screens now. All right, so the only person, yes? Mohinder Amarnath. All right, that's the correct answer. That is Mohinder Amarnath. Plus 10 for Pitampura. That is Mohinder Amarnath, one of the players at 1983 World Cup. World Cup, and he played Lala Amarnath in the movie 83. All right, chaliye. He was right. Also a son of a cricketer. Son of a cricketer, Lala Amarnath. Lala Amarnath. Yes. All right, so we are going on to the next question. The next question and the picture on your screens now. On your screens now. Yes. Take your time, analyze. I'll give you a hint. Okay. She's a news reader. Or I should say she was a news reader. Yes. Subhgahat chal rahi hai. Bohat discussions ka bazaar bohat garam hai. Dekhte hain jawab aata hai ya nahi. Ek aur hint de deta hu aapko. She was the person who read the news of assassination of Indira Gandhi in 1984, when Indira Gandhi was assassinated, she read that news and she cried on national television. She cried. Anyone? Very famous personality. Another hint, lives in Delhi, Jangpura. Anyone? No one? All right, so we'll pass this particular question. Aur wo jawab hai Salma Sultan, right? She is a very renowned news reader from Doordarshan. Inhone uske baad bahut sare Doordarshan ke serials, plays aur very short stories direct bhi kari hai. Aur aajkal inhone apna naya saadi collection launch kiya hai, by saadi sanskriti. Theek hai, to wo unhone launch kiya hai. Very, very famous personality. We are going on the last question for this quiz competition, and that is on your screens, are we ready everyone? Yes, sir. Can't hear you. Yes, sir. All right, so the screen, on your screen, the last question is here. Who is this person? Who is this person? When I'll tell you the answer, you'll be surprised because you must have heard and read him somewhere or the other. Ruskin Bond. Okay, Ruskin Bond. But of course, ye galat jawab hai. Ruskin Bond is not the correct answer. That's minus 5 for you. Anybody else would like to try for the bumper? Plus 20. Anyone who would like to try? Anybody? 5, 4, 3, 2. I will give you after the time is over. And one, and the time is up. All right, so I'll give you the hint. Let's see if you get it. So the hint is, it's a very famous quote by this person. And it says, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep." Robert Frost, absolutely correct. And with those words,
All right. When we say that there are miles to go before I sleep, there is so many things that we want to achieve in our lives. All right. And life is very short. Right. So one should be, you know, happy, smiling, and take every step as an opportunity to excel and conquer whatever things is happening around. Okay, do not get bogged down by the, you know, odds. Work towards the bright future of yours. This is for you all. To my fellow, all the students, lovely students, best wishes to all of you. I'm sure there will be one winner. But in my eyes, all of you are winners. Why? Because at least we have participated, we have come out of our closets and are working to become a holistic human person, right? Holistic development is something that is very, very important. So, ye sabhi ke liye jo mere darshak bhi hain, jo dekh rahe hain abhi, dekhiye, participate karna bahut zaruri hai, bahut zaruri hai ki aap participate kare, haar aur jeet, ye to ek niyam hai jo jeetega, theek hai, lekin जो हार कर गिर कर दोबारे उठेगा और जीतेगा वही कहलाएगा बाजीगर. ठीक है, तो आपको बनना है वो बाजीगर और इसी के लिए आपको ज्वाइन करना है अड्डा 247. आइए अड्डा 247 पे, जुड़िए हमारे साथ, हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को. क्लास 11 12th के लिए हमारा सक्षम बैच है. ठीक है, क्लास 12th के लिए भी हमारे पास बैच है. सीयूटी की तैयारी करनी है तो सीयूटी अड्डा 247 को ज्वाइन करिए. वहाँ पर आपको ऐप पे डेली आपको मिलेंगे क्विजेज और आपको मिलती हैं बुक्स, जहाँ से आपको हमारी ब्रिलियंट फैकल्टी जो पढ़ाती है और कोशिश करती है कि आपको ले जाए उस कॉलेज में जो है आपका सपना. और अब अगला क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के लिए. तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. ठीक है, तो इसी के साथ अब हम वेट करते हैं अपने स्कोर्स का, कि स्कोर्स आ जाएं और तब तक के लिए देखते हैं कि हमारा कौन कौन जीतने वाला है. तो किसको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है लास्ट वाला? तो मुझे लगता है कि यहाँ तो सारे एक लॉपसाइडेड सा वो है कि सबने अपने कह दिया अब तो भाई हथियार डाल ही देते हैं, अब तो एक ही इंसान है. और क्या हमारा स्कोर तैयार है? हमारी टीम तैयार कर रही है. तब तक के लिए मैं एक एक जने से जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कंपटीशन का. एक एक करके शुरुआत करते हैं पीतमपुरा से. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस क्विज कंपटीशन, थैंक्स टू द होल अड्डा 247 टीम. वी वर वेरी ग्लैड टू कम हियर एंड ऑल्सो वी आर वेरी ग्लैड टू मीट ऑल ऑफ यू टीचर्स. यू हेल्प्ड अस अ लॉट एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू सर. यस Sir, when we visited the office of Adda 247, actually the best part was the gaming area, the canteen, and the live section of Adda 247. Like how you guys go live on your YouTube channel, mm-hmm. and your play buttons on the wall. That was amazing. Sir, it shows that how you coordinate between the relaxing work and the work you do. Teaching, obviously. So, here I would like to tell you something that's an inside story. So, even the owners and the people who run Adda 247, they are of that particular mindset that they want to give their employees, an environment where relaxing is very important. The job of a teacher is not only to enter in a class and teach, it's way beyond. So if the mind is not calm, then, definitely things will not, resonate with the students as well. So that's why the teacher is considered more than God. Thank you so much. And that's why the HRs in our company are also called people enablers. They've changed their name from human resource to people enablers because they want to bring out the best in every employee of Adda 247. So, well, yes, next. GD Goenka. How was your experience? Sir, it was a very enlightening experience and I learned to be competent from here, okay? And I learned that how academics can help you in other things too, like this quiz. It was very enlightening for me. I learned how to be competent, healthily. And I just hope that you keep organizing these quizzes again and again and we get to come here often. All right, we will keep that particular in mind. देखिए दर्शकों, हमारे
जो कॉम्पिटिटिव में जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी हमसे बोल रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइज करते रहिए क्विजेज. इसी के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो लिंक गूगल फॉर्म भरिए, उसको नॉमिनेट करिए अपने स्कूल को, जुड़ेंगे हम आपके साथ, बुलाएंगे आपको अपने ऑफिस में और करेंगे कंडक्ट ऐसा ही क्विज, और फिर इन सब के जो विजेता होंगे लेके जाएंगे उनको ग्रैंड फिनाले में. ठीक है? यस मैम, समथिंग फ्रॉम यू. You have a very wonderful and sweet smile, first of all. I must tell you that. Very sweet. Thank you so much, sir. Yes. Sir, I have learned a lot from this quiz. Like, to be confident always, and I also learned that it's not important to win all the time. And we will get to learn some lessons. Sometimes we lose other lessons. That's a very great learning if you have learned that from this particular session. So, दर्शकों आपको भी बताना चाहूंगा कि ये जो चीज उन्होंने बोली है बहुत जरूरी है कि फेलियर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक ठीक है छाव ना हो तो धूप का मजा नहीं आता. इसी तरीके से जब तक फेल नहीं हो तब तक सक्सेस का मजा नहीं आता. सक्सेस तभी माने जाते हैं जब गिर जाओ, गिर के उठो, संभलो और चलना शुरू कर दो. तो यही चीज है जो उन्होंने सीखी है यहाँ से, बहुत बढ़िया चीज. आएंगे हम सुशांत के पास. So that it was an amazing experience, the office school, the faculty, and very wonderful. And first of all, thank you so much for the opportunity. As for the quiz, it took our first time, and we got to learn a lot. We got to know how much we knew, how much we should know. So yeah, it was extremely fun and a very nice experience. Thank you so much. So we have definitely lost, but we have not lost in our life, and that's the most important part. And apart from this, I guess it's just not the preparation one requires, but rather observance in the surroundings and the environment which are welcome. It's like we require the basic ground knowledge at first. Like just shorthand, you know, we say them kitabi kiya. That's not the thing which you require. Great. Well said. That's a very nice thing that you said. So just like he said, that it's not about winning, it's about observing things. I would like to say failing is another way of flying. So yeah, we learned a lot. I saw all the setups and all, and they were truly professional. Thank you so much. It's a very, very endearing session which is going on. Too much of admiration coming on. So thank you so much. Wonderful. Yes, Genesis. First of all, we would like to thank you for inviting us to Adda247. Even though I came a bit late, but I really like the environment over here. The people over here are really helpful. And it was great. Like, this was my first time in a quiz, and I really liked it. Like, the, you know, like the rush and all, especially the buzz around. Great, wonderful. See, that's the beauty of participating in a quiz also, because that's the adrenaline rush that you have, that you need to be on your edge of the seat, and then you just need to be agile. So very nice. Yes. It was an amazing experience. It was my first time. Oh, right, wonderful. So, what was your key learning from this particular? Kya seekha aapne isse? Bookish knowledge is absolutely. So, dekhiye, aap sab logon ne koshish kari. और उसमें से किसी की कोशिश शायद आज कुछ रंग दिखाएगी, कुछ की नहीं दिखाई, लेकिन उसी के लिए है ना एक बड़ी फेमस कहानी है और एक कुछ लाइंस हैं जो सभी बोलते हैं. क्या है वो लाइन, बता सकते हो कुछ किसी को? लहरों से तो सब लोग साथ में बोलेंगे. सो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो आज कोई भी ठीक है फेलियर नहीं है, कोई भी लूजर नहीं है, सब है विनर. ठीक है, लेकिन उस एक विनर में एक वो जो चमकता सितारा है इस वक्त जो क्षितिज पे जाके चमक गया है और वो ध्रुव तारा बन गया है, वो ध्रुव तारा कौन है उसको बताने के लिए मैं दे रहा हूं आपको स्कोर. और वो स्कोर है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. सो द बॉटम विद 0 मार्क्स आई वुड से इज DAV 49. Round of applause for them. Then on the third spot, okay, we have, okay, third. It's a tie.
ठीक है, इट्स अ टाई ऑन द थर्ड स्पॉट. वी हैव जेनेसिस ग्लोबल एंड जीडी गोयनका इंद्रपुरम विद 50 points. With 50 points. All right. अब जो वो घड़ी कि कौन जीता है कौन हारा है, the difference you know is only 5 marks. और I should say it's very small, right? बहुत छोटा सा है. Just kidding. ठीक है, just kidding. All right. So with 135 marks, the winners of the first quiz competition at Adda247 is DAV Pitampura. Wonderful, wonderful DAV Pitampura. I would like you to stand up and tell me some winning speech that you have. Come on, a winning speech that you want to give. Anybody, come on. The stage is all yours. So the winners of the first quiz competition at Adda247, we have the Pitampura's DAV. Yes. Actually, we kept our promise. As we were interviewing, we also said we want to win this, and we said we have prepared a lot and stuff like so. You know, sorry to cut you short, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कि जो स्टूडेंट की जर्नी होती है वो एक टीचर के साथ कभी भी पूरी नहीं होती उसके बिना. ठीक है, तो मैं बुलाना चाहूँगा आपके टीचर को. ठीक है, जो आपके साथ आए हैं. ठीक है, तो वी हैव सर पवन सर. वंडरफुल सर, आज तो आप बड़े खुश होंगे कि आपके बच्चों ने आपको प्राउड फील करवा दिया. बिल्कुल टैलेंटेड बच्चे हैं. बिल्कुल सही बात है. हाँ जी, क्या बोलेंगे पाजी, बोलिए कुछ. चक दे फट्टे. वो तो चक दिया आज आपने भाई. ठीक है, बहुत ही है, मतलब एक बहुत ही ह्यूज मार्जिन के साथ आप जीते हैं. 135 नंबर लेके आना. ठीक है, और हर एक चीज़ पे मैंने देखा था कि एक प्रिपरेशन, वो कहते हैं ना तैयारी जीत की, जो आप करके आए थे वो बहुत अच्छी तरीके से आपने करी. हर क्वेश्चन पे आप लोग मुझे कह रहे थे कि ये तो अभी हमने रास्ते में पढ़ा, ये तो हम कल पढ़ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. उस चीज़ का दिखाती है कि हम आगे के लिए कितना एक यू नो प्रिपेयर्ड हैं, और आगे कितने सोच है हमारी कि हम आगे जाके कुछ चीज़ें करना चाहते हैं. तो वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया लगा आपकी तरफ से. मैं बुलाना चाहूँगा अपने अजय सर को कि वो आए और फैसिलिटेट करें हमारे विनर्स को. अजय सर. It is all your guidance and your efforts and your superb support that you would have given them time and again. So congratulations to you first, and congratulations. क्या आपका नाम मैं miss कर रहा हूँ, sorry. तत्सत. अगमप्रीत. अगम. ये तत्सत is a very unique name. इसका क्या meaning होता है? भगवान विष्णु का एक पुराना नाम है. हरिओम तत्सत. अच्छा. तो आज आपने जो है पूरा किया अपने नाम को और डिलीवर किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन. तो ये अभी बैटल खत्म नहीं हो रही है, एज आई थिंक डिस्कशन हुआ ही है बार बार. ये बैटल तो अभी शुरू हुई है. एक इसका विनर बेस्ट ऑफ द बेस्ट का जो बोलेंगे एक और क्विज कॉम्पिटिशन होगा फिनाले. बट हैविंग सेड दैट, आई वुड अगेन लाइक टू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर आए हुए हैं, फॉर ऑल द स्कूल्स, और जो भी हमें देख रहे हैं. मैं चाहूँगा आप सब भी एक लाइक, एक थम्स अप, एक शेयर उनके लिए करें जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं सारे स्कूल्स के लिए. तो अब हम करते हैं सर फेलिसिटेशन सर. चलिए, तो फिर सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारी ये जो चमकती हुई ट्रॉफी है सर, जो देंगे हम विनर को देंगे हम अपने. और सर प्लीज an individual gift hampers for the winning person. So for Agampreet. Thank you. Round of applause guys for Agampreet.
And then we have Tatsat. For Tatsat. Tatsat ab to yaad rahe. Okay, so sir, these are the participants' certificates. So these are some of more goodies, certificates, letter of appreciations. So wo bhi hum individually dena chahenge. हाथ भर गए हैं अगम के तो अगम पहले आपका है कॉन्ग्रेट्स अगेन थैंक यू सर एंड वी हैव फॉर तत्सत पर्सनलाइज्ड लेटर ऑलराइट सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द पार्टिसिपेंट्स वन बाय वन so that they come and can accept the certification of participation. Okay. So first, we'll have everyone, na? Everyone, yes. Are very nice. So we have Nupur Sharma first. Nupur so Sharma. Genesis School, Genesis. Se we have Nupur Sharma. Nupur, great efforts, superb, congrats. Hope you enjoyed it. Then we have Brinda Dichoria. Tanishq Agarwal, Mehak Talwar. Yes, that smile that you have, wave it to everybody. GD Goenkas, Indrapuram, you missed it, something. Alright, next we have Navneet Yadav. Okay, so we have now Piyush Gautam. Then we have Yashika Yashika. Ma'am is there. So ma'am please. So we can call Turvi, right? Yes. Turvi Ahuja. Okay, you are to nearby only. You are our neighbors, Sushant Lok. Right. Okay. Okay. So we'll call the teachers once again if they can come one by one and can have. So we'll call first of all, Pavan sir, please. Then Neerja ma'am. And then I would like to call Meenakshi ma'am. Okay, now I would like to call all of you to come here so that we can have a winding photo. Yes, a group photograph. उसके साथ ही अगर आप इस तरफ से आ जाएं तो तत्सत आप इस तरफ से आ जाइए. I would like to say that we will continue this journey of ours. We will keep on inviting. More schools as well. आने वाले next 10-15 days में you will see more participation. इसी session में we have put a link, एक form link है in the description जहाँ पे आप भी चाहें अपने school को represent करते हुए you can enter the details and we will reach out to you. हम खुद आपके पास हमारे SPOCs आएंगे, contact करेंगे, आपको invite करेंगे. With you, with your teachers, faculties, mentors, parents, guardians, आप आइए हमारे office में और कुछ qualifiers होते हैं हमारे, simple से qualifiers होते हैं हमारे, उनको आप meet करिए and then you all are welcome. And of course, we are all looking forward to the grand finale. But उससे पहले एक round of applause मैं चाहूँगा for our superb host जिन्होंने इतना superb में And to the entire backstage team, अगर हम एक बार सबको अगर दिखा सकते हैं तो it will be great. We'll see कितना दिखा सकते हैं. But definitely मैं चाहूँगा.
Wonderful. Garima ma'am, jo hamesha backstage pe hai, Nidhi ma'am, Akash sir, Madhulika who has done all this. So superb effort, superb. हाँ अब वी कैन टेक आपका जो प्लान था मैं बीच में आ गया सो यस नाउ वी कैन हैव अ सो वी कैन हैव एंड वी कैन हैव अ लेट्स फील एंथुसियास्टिक एंड से ये एंड विल शाउट वंस अगेन टुगेदर सो हिप हिप हुरे फॉर द एंटायर अड्डा 24/7 टीम सो हिप हिप हुर्रे व्हाट काइंड ऑफ हुर्रे इज दिस यू नो हुर्रे कम ऑन विद एनर्जी ठीक है आई एम डबल योर एज गाइस कम ऑन ठीक है सो वंस अगेन सो हिप हिप हुर्रे हिप हिप Hooray! Hip hip! Hooray! And yes, we will spread this particular word among our friends and tell them that yes, we have this such quiz competition where we'll come and participate and do wonders. Yes or no? Right? So, yes. Darshako, aapko bhi karna hai kya? Jana hai description box pe jaiye niche, click kariye us link ko, fill kariye Google form aur aaiye hamare paas, hum aapko zarur leke aayenge agle episode mein of this quiz competition at Adda247.